शालिनाथ और मित्रों, मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि हमारे कलाकार मित्र जो हैं उनके लिए खास तौर से यह है और उनमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। हमारे देश में लगभग यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2-3 हजार वर्ष ईसा पूर्व से हमारा अभिजात संगीत शास्त्रीय संगीत चला आ रहा है। सामवेद से संगीत का प्रारंभ होता है। यूरोप के जो विद्वान हैं वो कहते हैं वैदिक काल ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और जो हमारे भारतीय विद्वान हैं वो तो 5000 वर्ष पूर्व और महामान्य तिलक ने तो 10000 पूर्व तक बतलाया है। लेकिन हम सिर्फ यूरोपीय विद्वानों की बात मान लें तो भी ईसा पूर्व 2000 वर्ष से हमारा अभिजात संगीत प्रारंभ हुआ। सामवेद का जो संगीत है वो जो लोक संगीत है, सच पूछिए चाहे कोई भी शास्त्रीय संगीत हो वो लोक संगीत का ही एक परिष्कृत रूप है, उसका एक परिष्कार है, उसका एक विकास है। तो सामवेद का जो संगीत था वो पहले 3 स्वरों से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे 4 स्वर बढ़े। आज भी आप गांव में जाएं और महिलाओं को गाते हुए, मजदूरनियों को गाते हुए सुनेंगे तो 3 स्वर के भीतर प्रायः उनके गान चलते रहते हैं, उनके हरकत करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से 3 स्वर से प्रारंभ हुआ, 4 स्वर तक गया, उसको वो स्वरांतर कहते थे, फिर 5 स्वर तक गया, 6 स्वर तक गया, 7 स्वर तक गया। एक बड़ी विचित्र बात है, 7 की जो संख्या है उसमें क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है। जितने हमारे वॉवल्स हैं वो 7 हैं, जितना रंग है वो 7 है, जितना स्वर है वो 7 है, क्या मिस्ट्री है। और जो हमारे योग की प्रक्रिया है वो भी 7 है। भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, लोक वैदिक लोक जो बतलाया है उन्होंने वो भी 7 है। प्लेन्स ऑफ एक्सपीरियंस वो भी 7 है। कुछ विचित्र रहस्य है इस 7 का। तो 7 पर स्वर आकर के ठहर गया और यह आश्चर्य है कि केवल भारतीय संगीत में ही नहीं अपितु विश्व के संगीत में 7 स्वर। ये 7 स्वरों की संगीत की भाषा जो बनी वो विश्व के संगीत की भाषा हो गई। और जब 7 स्वर का विकास हो गया उस जमाने में वैदिक काल में, उसके बाद गांधर्व संगीत प्रारंभ हुआ। वैदिक संगीत के काल के बाद गांधर्व संगीत प्रारंभ हुआ और एक विशेषता उस संगीत की ये थी कि मध्यम स्वर जो उनका था वो अविनाशी स्वर था। जैसे आजकल हम षड्ज को अविनाशी स्वर मानते हैं कि षड्ज जो है वो अचल है, ऐसे ही उस समय मध्यम अचल था। षड्ज को छोड़ सकते थे, पंचम को छोड़ सकते थे, धैवत को छोड़ सकते थे शाडो और रोडो रूप में, परंतु मध्यम को नहीं छोड़ सकते थे। इसमें भी एक बड़ा विचित्र रहस्य है। आप एक देखें कि मध्य जो है हमारे शरीर में, ये जो जिसको कहते हैं मेरुदंड लेकर के, ये सारे शरीर का मध्य है और जितनी शाखाएं चलती हैं सब इसी से चलती हैं चारों ओर। स्पाइनल कॉलम मेरुदंड, इसको मध्य बोलते हैं सारे शरीर का। ठीक इसी प्रकार से 7 स्वरों का जो मध्य था वो था मध्यम। मध्यम शब्द के माने हैं मध्यम मात इति मध्यमा, मध्य को म माने जो माप लेता है वो मध्य, जो बंटवारा कर देता है। तो अभिनव गुप्त ने लिखा है ननु त्रयः एव पारमार्थिकाः स्वराः, सच पूछिए तो 3 ही वास्तविक पारमार्थिक स्वर हैं।
मध्यम को आप एक जैसे तराजू है, तराजू का जो फलक्रम है वो मध्यम है, और एक तरफ पड़ने पर सारे ग, दूसरी तरफ पधा नी, ये मध्यम दो में बांट देता है। स रे और ग के बीच में जितना इंटरवल है, जितना अंतराल है, उतने ही प ध और नी के बीच। स की जितनी श्रुतियां हैं उतने ही प की हैं, रे की जितनी श्रुतियां हैं उतने ही ध की हैं, नी की जितनी श्रुतियां हैं उतने ही उधर स की श्रुतियां हैं। तो मध्यम जो स्वर था उस समय वह अविनाशी स्वर कहलाता था, अचल स्वर कहलाता था, और सब स्वर बदल सकते थे, मध्यम नहीं बदल सकता था। उसी आधारशिला पर गांधर्व संगीत का विकास हुआ। गांधर्व संगीत का विकास लगभग मैं समझता हूँ कि ईसा पूर्व 600-700 वर्ष पूर्व से लेकर के और सातवीं सदी तक, बने कोई 1500 वर्ष तक गांधर्व संगीत हमारे देश में चलता रहा। गांधर्व संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भरत का नाट्यशास्त्र मिलता है। यद्यपि नाट्यशास्त्र संगीत का ग्रंथ नहीं है, वो तो है नाटक का ग्रंथ, परंतु हमारे यहाँ जो नाटक की धारणा थी, जो नाटक का कॉन्सेप्ट था, उसमें संगीत का बहुत भारी अंश था। भरत ने लिखा है, गीतम ही नाट्यस्य शैया, गीत ही नाट्य की शैया है, बिस्तर है जिस पर नाटक चल सकता है। इसलिए 28वें अध्याय से लेकर के और 36वें अध्याय तक उन्होंने गांधर्व संगीत की चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की है। वो एक विशाल प्रक्रिया थी, विशाल शैली थी, और धीरे धीरे उसमें इतने नियम बंध चले गए। सच बात तो यह है कि बिना किसी नियम के, बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी रूल के, बिना किसी कायदे के कोई कला नहीं हो सकती। लेकिन बहुत ज्यादा कायदा भी हो जाए तो कला का दम घुट जाता है। तो धीरे धीरे जो गांधर्व संगीत था हमारा, उसमें नियम इतने बढ़ते चले गए, यहां तक कि उनकी बंदिशों में पहला स्वर जो है वो लघु होगा, दूसरा जो है वो दीर्घ होगा, तीसरा जो है वो प्लुत होगा, या क्या होगा, इतने नियम बढ़ गए कि मैं तो कभी आश्चर्य करता हूं कि कैसे वो लोग इसको गाते थे, मेरे समझ में नहीं आता। उसका परिणाम ये हुआ कि इमेजिनेशन के लिए, कल्पना के लिए कोई अवकाश, कोई स्कोप नहीं रह गया। इसलिए गांधर्व संगीत का दम बिल्कुल घुट गया। परंतु साथ ही साथ जहां जब गांधर्व संगीत चल रहा था, उसके साथ ही साथ देशी संगीत का विकास हुआ। कुछ हमारे शास्त्रियों की ये धारणा है कि देशी संगीत बाद में विकसित हुआ, ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है। दोनों का साथ साथ विकास होता रहा है। स्वयं गांधर्व संगीत ने जो लोक संगीत है उससे बहुत कुछ प्रेरणा ग्रहण की, और देशी संगीत ने गांधर्व संगीत से प्रेरणा ग्रहण की। गांधर्व संगीत को ही आप देखें, उसमें एक जात, वो लोग जात कहते थे, जैसे आजकल हम लोग राग कहते हैं, उस समय वो जाति संज्ञा थी। आंध्री एक उनकी जाति है, क्या मतलब है इसका? आंध्र प्रदेश का जो लोक संगीत है उससे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण करके और कुछ नियम बना करके आंध्री जाति बनाई। उदीच्यवा एक जाति है, उदीच कहते हैं नॉर्थ को, नॉर्दर्न रीजन में जो लोक संगीत था उससे प्रेरणा ग्रहण करके और उससे उन्होंने उदीच्यवा एक जाति बनाई। तो गांधर्व सब पूछिए मूलभूत मानव का, जैसे आदमी पहले बोलता है, व्याकरण बाद में बनता है, साहित्य बाद में बनता है, ऐसे ही ये कोई माँ इस इंतजार में बैठे कि कोई स्केल तय हो जाए तब मैं अपने बच्चे के लिए लोरियां गाऊंगी, ऐसा तो था नहीं। कभी माँ ने लोरियां गाना प्रारंभ कर दिया और बाद में उसने फिर रूल्स और नियम बनते रहे। इसलिए लोक संगीत तो आधारशिला है सारे संगीत का, यही नहीं सारे विश्व में लोक संगीत आधारशिला। लोक संगीत को परिष्कार करके, परिष्कृत करके, उसमें नियम बना करके, कायदे बना के, कानून बना करके, धीरे 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 शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ। तो जो हमारा गांधर्व संगीत था वो लगभग 1500 वर्ष तक चलता रहा, परंतु शास्त्रीय संगीत ने क्या किया कि गांधर्व संगीत का जो कुछ लबोलुवाब था, जो कुछ सार था, वो सब पी करके और
लोक संगीत और गांधर्व संगीत के सार को मिला करके ये देशी संगीत बना जो कि आज तक प्रचलित है। और इस देशी संगीत में दो बहुत भारी विकास हुए, एक रागालप्ति और दूसरा रूपकालप्ति। हमारे संगीत शास्त्र में आजकल तो हम सिर्फ आलाप कहते हैं और कर्नाटक संगीत में आलपनम बोलते हैं वो लोग, लेकिन शास्त्र को आप देखें तो तीन शब्द हैं, आलाप, आलप्ति, आलपनम। आलाप जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। आलप्ति फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। आलपनम न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर है, वो नपुंसक लिंग है। और तीनों का कारण था, आलाप वो था जहां राग का ओज, राग का बल, राग का उत्कर्ष, उसका प्रकर्ष जिस पर दिखलाते थे उसको कहते थे आलाप। और जहां राग की सुकुमारता, राग की सूक्ष्मता, राग का श्रृंगार जहां जिसमें दिखलाते थे उस फेमिनिन जेंडर इस्तेमाल करते थे आलप्ति। और जहां दोनों का मिश्रण होता था, नपुंसक क्या है जो जो मेल और फीमेल दोनों का मिश्रण है उसको बोलते थे आलपनम। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से हमारे इस आलाप का विकास उस समय हुआ। और चरमोत्कर्ष विकास जो हम समझते हैं वह है रागालप्ति और रूपकालप्ति। रागालप्ति को ध्रुपद ने पकड़ा। रागालप्ति वो होता था जहां के स्वरों को दो हिस्सों में बांट देते थे और धीरे धीरे बढ़त होती थी मध्यम तक, नीचे के स्वरों से मध्यम तक धीरे धीरे आलाप करते थे, फिर पंचम से लेकर के उधर आलाप करते थे। आप देखेंगे ध्रुपद का जितना आलाप है वो उसी प्रकार से है। फिर लय बढ़ती चली जाती थी, फिर मध्य लय में आए, पहले विलंबित पे आए, फिर मध्य लय में आए और फिर द्रुत लय में आए। और दो करण और वर्तनी, ये दो आलाप में होता था, उसका नाम था करण, दूसरे का नाम था वर्तनी। उसी करण और वर्तनी को पकड़ करके हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ने आलाप जोड़ और झाला। तो जिसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आज आलाप कहता है उस समय वो करण कहते थे, जिसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जोड़ कहता है वो उस समय वर्तनी कहते थे, और जिसको आज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक झाला कहता है वो उस समय भ्रमरी कहते थे। झाला शब्द बहुत कम लोग जानते हैं, ये शब्द का अर्थ क्या है, वैसे करते तो हैं परंतु ये हिंदी का शब्द है। झाल के माने होते हैं लहर, स्वरों की लहर जहां चलती है वो झाला। और भ्रमरी माने भी भ्रमण करना, स्वरों का भ्रमण। ये तीन ग्रहण करके प्रेरणा हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे आया। और ये तीनों जो ध्रुपदियों के जो आलाप होते थे इन तीनों का वहां पर रागालप्ति में होता था। रूपकालप्ति से ख्याल ने प्रेरणा ग्रहण। रूपकालप्ति में दो विशेषताएं, तीन विशेषताएं होती थी। एक होता था प्रतिग्रहणिका और दूसरा होता था जो कि छोटे छोटे बोलों को पकड़ करके और उनका आलाप करना, और तीसरी होती थी रूपकालप्ति, सारे बोल को आलाप करना। आप देखेंगे काल में छोटे छोटे बोलों को लेकर के पहले सजाते हैं और फिर बोल दाने लेते हैं और कभी कभी सारे बोलों को लेकर के सजाते हैं। ये रूपकालप्ति से काल ने ये ग्रहण किया है। तो रागालप्ति और रूपकालप्ति ये दो हमारे ऐसे विकास हुआ है संगीत का कि जिसका मिसाल दुनिया में नहीं। मैं जब गया था जापान, ईस्ट वेस्ट मीट, म्यूजिकल मीट वहाँ हुआ था, सारे संसार भर के म्यूजिशंस वहाँ आए थे। 32 म्यूजिशंस को लेकर के मैं यहाँ से भी गया था, कर्नाटक के भी और अपने हिंदुस्तानी संगीत के भी। तो ये एक बड़ी विचित्र बात मैंने देखी कि जितना वहाँ का, मैंने ईरान का म्यूजिक ले आप, इंडोनेशिया का म्यूजिक ले आप, इंडो चाइना का म्यूजिक ले आप, फिलिपाइन का म्यूजिक ले आए, अने सारे संसार का म्यूजिक, वो सब प्रभावित था वेस्टर्न म्यूजिक से। उनके जितने ऑर्केस्ट्रा बजे सब सब अपने अपने मिसाल देते थे, सब वेस्टर्न, वही हार्मोनिक म्यूजिक। हमसे उन लोगों ने प्रश्न किया, हाउ इज इट दैट इंडियन म्यूजिक
हैज एस्केप्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, ये प्रश्न हमसे उन्होंने प्राय किया। और हमारा वेस्टर्न म्यूजिक वही मेलोडिक म्यूजिक है। मेरा एक ही उत्तर था, बिकॉज ऑफ इट्स ओन इनहेरेंट रिचनेस एंड वाइटैलिटी। इसके भीतर जो विकास हुआ है, माने मेलोडी के लाइन में रूप का लक्ति का जो विकास हुआ है, जिसका खेल आप प्राय देखते हैं इसमें हमारे ख्याल की गायकी में, एक एक स्वर को लेकर के उसको सजाते हैं, करते हैं, किस तरह से वो धीरे धीरे आलाप उसको बढ़त जिसको बोलते हैं, ये दुनिया के संगीत में कहीं नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता संगीत की जो मैंने पाया भारत में, वो ये है कि ये इतना बड़ा विशाल देश है, 14-15 तो यहाँ भाषाएं हैं, सब अलग अलग भाषा है, कम से कम 3-4 धर्म यहाँ हैं। ईसाइयों का धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, 4-5 वो भी सब अलग अलग है। केवल एक संगीत ऐसा है जिसने कि सारे भारत को एक सुधर बना कर, संगीत की भाषा पाकिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, लंका तक, जहां तक शास्त्रीय संगीत है, अफगानिस्तान के पास लोक संगीत था, जो शास्त्रीय संगीत है वह यहीं से गया, लंका के पास भी सिर्फ लोक संगीत था, शास्त्रीय संगीत नहीं था, वो भी यहीं से गया, लंका से लेकर के अफगानिस्तान से स्वरों के नाम वही, षड्ज ऋषभ गांधार पंचम धीवर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सब वही। और वही बंदिशें, सदारंगी अदारंगी, तानसेन की ध्रुपद इत्यादि, वही बंदिशें सारे देश को एक सूत्र में यदि किसी ने बांध के रखा है तो वह संगीत है। संगीत की बिरादरी वो बिरादरी है जहां धर्म और भाषा ये सब लुप्त हो जाते हैं एक बिरादरी संगीत की। इसलिए यदि आप देखें तो ये बड़ा भारी कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन म्यूजिक का। इमोशनल इंटीग्रिटी देश की अगर किसी ने की है तो वो संगीत में, भावात्मक एकता यदि किसी ने की है, धर्म भी फेल हो गया, भाषा भी फेल हो गई, एक भाषा इस देश में नहीं, एक धर्म इस देश में नहीं, परंतु एक चीज ऐसी है वो संगीत है जो सबको एक से बात करके रखती है। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे संगीत का विकास हुआ। अब जो आज की चर्चा है, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि ये सब उसका विषय नहीं है, जो चर्चा है हमारा घराने का, और तान का चर्चा कल आएगा मैं समझता हूं, ऐसे ही है ना। तो अरे घरानों, घरानों का विकास कैसे हुआ इस पर विचार करना है, ये कोई नई बात नहीं है। वेद में सायण भाष्य लिखा है, सहस्र वर्तमा साम, साम का गीत जो है सहस्र हजारों स्टाइल से होता है। अब आप ये देखें, मुमकिन है कुछ अतिशयोक्ति हो, एग्जैजरेशन हो, लेकिन फिर भी कम से कम आज भी रानीय शाखा, जैमनीय शाखा और काठक शाखा, तीन शाखाएं आज भी भारत में सामवेद के गाने की मौजूद हैं। मैंने सारे भारत में भ्रमण किया सामवेद संगीत समझने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि सामवेद संगीत भारत में लुप्त हो गया। मैंने जो कुछ भी आप सामवेदिक संगीत सुनते हैं इस समय, वो सस्वर पाठ है, सस्वर गान नहीं है। केवल मुझको कुंभकोणम में एक मद्रासी मिले जो उन्होंने सस्वर गान हमको सुनाया, और दूसरे पूना में मिले लक्ष्मण भट्ट जिन्होंने तंबूरे के ऊपर हमको सामवेद सुनाया, और वो सब सुन करके मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ उसमें 44 पृष्ठ केवल सामवेदिक संगीत पर है मैं समझता हूँ। और शांति निकेतन में मैंने सामवेदिक संगीत पर 2 लेक्चर दिए थे, उसकी कॉपी मैंने डॉक्टर गौतम को दे दी है, वो अंग्रेजी में वह है लेख। तो आप देखेंगे कि सामवेद संगीत में भी घराने थे, क्योंकि कितनी खूबसूरती कहाँ से पैदा होती है, ये जिसमें जितनी कल्पना हो उसका कोई ठिकाना है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कितनी कल्पना से आदमी कर सकता है, खूबसूरत बना सकता है, ये मनुष्य के कलाकार के ऊपर है। वहां शब्द शास्त्र फेल हो जाता है, सबसे बड़ा भारी शास्त्र तो कलाकार है। तो सामवेद में भी आज भी 3 शाखाएं विद्यमान हैं,
वो तीन घरानों की तरह से मौजूद हैं। ऐसे ही ध्रुपद में भी यद्यपि इस तरह के घराने तो नहीं रहे, परंतु बानियों का घराना ध्रुपद में भी रहा। वो बानियां तो लुप्त हो गई, केवल नाम के लिए वो बानियां रह गई। कोई अब देश में मुझको नहीं मिला जो उन बानियों को ठीक ठीक से समझा ले। कोई कहता है खंडहार बानी यह है, कोई कहता है खंडहार बानी यह है, कोई कहता है गोहार बानी यह है, कोई कहता है यह है, वो सब लुप्त हो गई। हमारे यहाँ पहले भी दो प्रकार की गीत चलती थी, जिसको आज बानियां कहते हैं उसको गीत कहते थे। गीत और गीत, इन दोनों में अंतर था। गीत माने सॉन्ग गान, और गीत माने स्टाइल, म्यूजिकल कंपोजिशन का स्टाइल। तो उस समय म्यूजिकल कंपोजिशन की स्टाइल कम से कम 8वीं शती से पतंग के बृहद्देशी में साफ मिलता है। 5 स्टाइल उस समय गीतियों के थे। एक शुद्धा था, एक भिन्ना था, एक गौड़ी थी, इस प्रकार से एक साधारणी थी, इस प्रकार से गीतियों का शुद्धा हुआ था जिसमें सीधे सीधे स्वर लगते थे, भिन्ना वो थे जिसमें गमक लगते थे। अब गमक शब्द का भी प्रयोग और विकास बहुत बाद में हुआ, पहले तो अलंकार का विकास हुआ था। भरत में आपको गमक शब्द नहीं मिलेगा, भरत के नाट्य शास्त्र में वहां अलंकार शब्द मिलता है। अलंकार में पल्ट, जिसको आज हम पलटे कहते हैं वो पलटे, और जिसको आज हम गमक कहते हैं वो दोनों मिश्रित थे अलंकार में। धीरे धीरे डेवलपमेंट यह हुआ कि पलटे अलग हो गए और जो वो खूबसूरतियां थी गमक वो अलग हो गया। और गमक शब्द का अर्थ जो है श्रुते छायायाम छायांतरम गमयति इति गमकः, एक श्रुति की छाया से दूसरी श्रुति की छाया तक जो ले चले। गमक के माने होते हैं संस्कृत में चलना, और गमक माने ले चलने वाला। एक श्रुति की छाया से दूसरी श्रुति की छाया से को खूबसूरती से जो ले चले वो है गमक। तो यह गमक जो है इतने प्रकार से इसका विकास हुआ कि शारंगदेव ने जहां गमक अपने संगीत रत्नाकर में गमक की चर्चा की है वहां तो केवल 15 की चर्चा की है, संगीत समय सार में लगभग 20 की चर्चा की है। और जो एक जगह पर जहां पर उन्होंने शारंगदेव ने चर्चा की है वो 96 प्रकार का किया। 96 प्रकार से किस तरह से स्वरों को खूबसूरत बना सकते थे। कुछ तो उसमें टोनल ब्यूटी है, कैसे टोनल, कुछ रिदमिक ब्यूटी है कैसे, और कुछ तो नाम नाम के रह गए पता नहीं चलता है कि वो क्या थे। जैसे लवनी है, वहनी है, ढाल है, इस प्रकार के गमक थे जिसमें नाम मिलते हैं शास्त्रों में, पता नहीं चलता वो किस प्रकार के थे। इस प्रकार से 96 प्रकार के गमकों से वो अपने संगीत को सजाते थे। तो घराना क्या है? घराना मैं जो ट्रांसलेशन करता हूं, मैं समझता हूं स्कूल्स ऑफ म्यूजिक ये गलत ट्रांसलेशन है। मैं समझता हूं ट्रेडिशन ऑफ एस्थेटिक आइडियोलॉजीज, किस तरह से किन किन चीजों से खूबसूरत हम बना सकते हैं, इसकी जो परंपरा है ये घराना। कोई रिदम की तरफ, लय की तरफ किसी का ज्यादा निगाह गया तो उन्होंने उसका विकास किया, वो एक घराना बन गया। किसी ने स्वर की तरफ ज्यादा निगाह किया और उधर गया, वो घराना बन गया। सच पूछिए तो शास्त्रों में दो ऐसे स्थान आए हैं जहां पर घरानों की जड़ हमको दिखलाई देती है। एक तो यह है जिसको वो कहते हैं उच्चार, अब वो शब्द ही आजकल हम भूल गए। उच्चार माने क्या? एनंसिएशन, हाउ यू विल एनंसिएट ए पर्टिकुलर नोट। एक स्वर है उसका उच्चार कैसे करेंगे, और उस उच्चार में ही इतना भेद हो जाता है, और वो उच्चार दुनिया का कोई भी नोटेशन आ जाए वो उच्चार को नहीं नोटेट कर सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 1926 में मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ में बना, उस वक्त पंडित भातखंडे जी वहां पर आए, और शहाने की एक चीज थी वो रट करके मैं ले गया, और नोटेशन में उन्हीं भातखंडे जी के नोटेशन में था, और रट करके ले गया। मैंने पंडित भातखंडे जी को सुनाया,
मैंने कहा पंडित जी सुनिए ठीक है। उनका ठीक तो है लेकिन उच्चार नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये क्या है उच्चार क्या बला है। तो उन्होंने गा के जो सुनाया स्वर सारे वही एक भी फर्क नहीं लेकिन उच्चार में थे। अब थोड़ा सा नमूना मैं आपको उसको सुनाता हूं तो आप देखेंगे उसको कैसा हो जाए। चीज जो थी वो थी पहले बिना उच्चार के मैं कहता हूं ठीक स्वर से अब गुण भर्यो सकल हूं नाथ मेरो अपनो समझ माफ कीजे घनेरो अवगुण। ये मैंने रट के सुनाया उनका ठीक तो है स्वर सब ठीक है लेकिन उच्चार नहीं। ये क्या उच्चार क्या बला है आप मुझको बदलाइए। उनका अब वो शुरू किया ना अवगुण फिर भर्यो भर्यो ये हो गया सकल ये भेद हो गया सारे तौर बने नाथ मेरो नो नो समझ माफ कीजे घनेरो अवगुण। ये जो उच्चार भेद हुआ ये उच्चार भेद जो है ये घरानों के दर कहां जगह किस जगह से आवाज का लगाव और स्वर का लगाव कहां आवाज को पतला कर देना कहां आवाज को चौड़ी कर देना कहां आवाज का विस्तार कर देना कहां आवाज को सूक्ष्म कर देना बारीक कर देना कहां हल्की कर देना कहां जोर से कहना ये किसी नोटेशन में आ सकता है। दुनिया का कोई नोटेशन मुझे बतलावे कोई दुनिया का कोई नोटेशन ये कभी नोटेशन में मुमकिन है बिना उस्ताद के सीना बसीना तालीम के बिना ये असंभव गैर मुमकिन है। और यही प्राण है हमारे संगीत का यही प्राण है संगीत का यही उच्चार भेद जो है वो संगीत का प्राण मुसीबत को खूबसूरती आती है। माने क्या संगीत के सच पूछिए तो वेस्टर्न सिंगर्स भी कहते हैं और दुनिया ये कहती है एस्थेटिक ब्यूटी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ये दो चीजें जो हैं आर्ट का प्राण। एस्थेटिक ब्यूटी माने कलात्मक सौंदर्य और इमोशनल एक्सप्रेशन में भाव अभिव्यक्ति भाव की अभिव्यक्ति ये दो अगर नहीं हुआ तो फिर वो गाना बजाना है। माने क्या कि एक तो एस्थेटिक ब्यूटी मान लीजिए कोई भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है परंतु फिर भी एक स्वर के साथ दूसरा स्वर कैसे लगाएं कि वो बिल्कुल कानों को इतना सुंदर मालूम पड़े और मनोरंजक मालूम पड़े जैसे कलर का मैचिंग ऑफ कलर्स होता है कि एक औरतें भी हमारी महिलाएं भी एक किस्म की साड़ी है तो उसके ऊपर ब्लाउज किस रंग का पहनना जो आंखों को अच्छा लगे ये मैचिंग ऑफ कलर्स जैसे होता है पेंटिंग में ऐसे ही म्यूजिक में मैचिंग ऑफ नोट्स किस नोट के साथ कौन सा नोट लगाएं तो वो खूबसूरत लगेगा यह है एस्थेटिक ब्यूटी। और किस ढंग से लगाएं कि वो दिल के जज्बात जाहिर हो जाए यह है इमोशनल एक्सप्रेशन। मतलब क्या कि एक में तबीयत कहती है वाह और दूसरे में तबीयत कहती है आह। वाह और आह अगर इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो क्या गाना बजाना। तो क्या गाना बजाना सब बेकार। तो ये जो है स्वर और लय इनको एस्थेटिक ब्यूटी और इमोशनल एक्सप्रेशन इस पर निगाह जिन जिन उस्तादों की जिस जिस तरफ गई वहां वहां खरा गई। घरानों की जड़ जो यही है तो स्वर का जो है उसमें विशेष बातें ये है क्या क्या देखा उन्होंने वजन
वजन देखा स्वर का, प्रमाण कितने मात्रा में किस स्वर को लगाना, वजन प्रमाण इंटेंसिटी, कहां सूक्ष्मता, कहां बारीक कर देना, कहां चौड़ा कर देना, ये सब इंटेंसिटी बढ़ता है। ये जो बातें स्वर के साथ देखी उन्होंने, और स्वर और लय का गुथाव किस तरह से किया जा सकता है, ये जो बातें देखी, इन्हीं पर सारे घरानों का सूत्रपात हुआ। किसी ने स्वर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, जैसे किराने घराने में मशहूर है किस्सा कि अगर सुर गया तो सारा सिर गया, अगर ताल गया तो एक बाल गया, ऐसा किराने घराने में वो लोग कहते हैं कि भाई ताल में कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो चलो एक बाल ही गया, लेकिन सुर गया तो सारा सिर गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो स्वर की तरफ, स्वरों का सौंदर्य, स्वरों का श्रृंगार, कैसे स्वरों को सजाना। आज हम तो मामूली जो सरगम गाते हैं उसमें भी उच्चार भेद हमको पता नहीं, प प मामा की जगह पर पापा पापा मामा मामा करते हैं, भले पापा मामा से संगीत से क्या मतलब, इतना तक उच्चार भेद उनको नहीं मालूम। हम स्वरों को नंगा करके गाते हैं, उनकी पगड़ी उतार लेते हैं, तो क्या उसमें आनंद आएगा। तो आप स्वर का जो उच्चार है, स्वर का जो भेद है, किसी घराने ने, कुछ लोगों ने उसकी तरफ ज्यादा निगाह दी, कुछ लोगों ने लय की तरफ ज्यादा निगाह दी, कुछ लोगों ने स्वर और लय के गुथाव की तरफ ज्यादा निगाह दी, ऐसे ही घराने बने। सब घराने में अपना अपना सौंदर्य है और उसको देखना चाहिए आदमी को, और जहां कहीं भी सुंदरता मिले वो ग्रहण करना चाहिए। पुराने जमाने में तो इतना कट्टरपन बना था कि अपना एक घराने वाला जो उस्ताद होता था वो अपने शागिर्द को बहुत समय तक दूसरे घराने का गाना सुनने से मना करता था कि सुनोगे तो फिर वो बातें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, हमारे घराने की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन आज का युग भिन्न है, क्योंकि आज का युग वो है जहाँ की एक्सपोज है लिसनर टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, उसको जहाँ खूबसूरत जिस घराने की मिलेगी वो ग्रहण करता है उसका। हमने मैंने रूपका लप्ति में, जैसा मैंने पहले कहा, स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी, भंजनी में के माने बांट के हैं और स्थायी माने मेलोडिक फ्रेज, मेलोडिक फ्रेज को कैसे बांटें, किस किस तरह से सजावें, इसको बोलते हैं स्थायी भंजनी, और सारी बंदिश को कैसे सजावें इसको कहते हैं रूपक भंजनी। तो स्थायी भंजनी जो है, आप देखें आगरा घराने में ऐसा खिलता है, एक एक टुकड़े को लेकर के और लय में उन टुकड़ों को जो सजाते हैं लय के साथ, ये स्थायी भंजनी का पुराना रूप का लगती है जो शास्त्रों में मिलता है। बहुत कम घरानों में ये स्थायी भंजनी का वो खेल देखने को मिलता है जो कि आगरा घराने में मिलता है। ऐसे ही स्वरों का जो काव्य भेद है जो किराने घराने में मिलता है वो और घराने में बहुत कम मिलेगा। काव्य शब्द जो अपने यहाँ का संगीत का शब्द है, मैं समझता हूँ दुनिया में तो किसी भाषा में ऐसा शब्द मिलेगा नहीं। ये संस्कृत के कई धातु से निकला है, कई धातु के माने हैं लोलता उपताप योग, लोलता और उपताप। लोलता के माने लचीलापन, गले में वो लचीलापन लाना जिससे उपताप माने हृदय का भाव अभिव्यक्त हो जाए, यह काव्य। गले का वो लोचपन जिससे हृदय का भाव अभिव्यक्त हो जाए, इसको बोलते थे काव्य। तो ये काव्य जो है, काव्य भेद जो है, ये आप देखेंगे कि मैंने तो अब्दुल करीम खान को बहुत नजदीक से सुना और कई बार सुना, इतना सुंदर काव्य भेद था उनके भीतर जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से सजाना संगीत को जो प्रभावकारी हो, प्रभावशाली हो, यही घरानों का जड़ है। किसी को जो कुछ भी सूझा वो उस ढंग से लेके चला, लेकिन स्वर और लय यही तो मुख्य हैं। तो स्वर में जैसा मैं कहता था कि एक तो वजन को लाना, जैसे पंडित विष्णु दिगंबर जी ने मुझे बताया कि जब वो सीख के आए अपने गुरु से तो मुझसे वो कहते थे कि 6 महीना मथुरा में
सिर्फ मैं 3 शेर दूध दिन भर पी के रहता था और 6 घंटे मैंने केवल मंत्र की साधना 6 महीने, जिससे कि मेरे स्वरों में वजन आ जाए। तो मंत्र की साधना जो थी ये बहुत ही आवश्यक थी स्वरों में वजन लाने के लिए। जितने ही मंत्र की साधना आदमी करेगा उतने ही स्वरों में वजन आए। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जैसा मैंने कहा, इंटेंसिटी उसकी कि कितना लगाव, कितना विस्तार, ये। और तीसरा, कितने परिमाण में कितना स्वर लगाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी है। अब कासे कहूं ये एक एक मात्रा में, 2 मात्रा के बीच में मान लीजिए कासे कहूं है, का और क। अब इस 2 मात्रा में अगर एक एक मात्रा लगाएं तो क्या फर्क हो जाता है, और थोड़ा सा मात्रा को बदल दें परिमाण तो क्या फर्क हो जाता है। दुखवा मैं, अब एक एक मात्रा कासे कहूं मोरी, एक तो ये हुआ। अब उस कासे को दुखवा मैं कासे कहूं मोरी, अब वो क को उसकी मात्रा इतना कर दी और जो बाकी मात्रा था वो कासे को दे दिया। कितना अंतर हो गया इमोशनल एक्सप्रेशन में। तो इसको बोलते थे परिमाण। किस स्वर को कितने परिमाण में लगाए। हम खाना बनाने में क्या करते हैं, नमक और शक्कर दोनों का अगर बराबर बराबर मिलाएं तो कय हो जाएगा। कितनी मात्रा में नमक और कितनी मात्रा में शक्कर ये जो कर सकता है वही अच्छा पाचक है, वही अच्छा कुक है। ऐसे ही संगीत में कितने वजन से किस स्वर को लगाएंगे और कितने वजन से दूसरे स्वर को लगाएंगे, इन दोनों का भेद जो नहीं जानता है वो क्या गाएगा, वो क्या बजाएगा। तो आप देखेंगे कि ये मात्रा भेद, परिमाण भेद, तीव्रता भेद, संचार भेद, ये सारे भेद जो है इनको ले लेकर के कलाकार जो चले वही मूलभूत आधार हैं हमारे घरानों के। इसलिए मैं घराना शब्द का जो अनुवाद करता हूं वो ट्रेडिशन ऑफ एस्थेटिक आइडियोलॉजीज। एस्थेटिक आइडियोलॉजीज अलग अलग रहे हैं और किस किस पर जो उन्होंने जोर दिया है वही एक ट्रेडिशन चला आया है, वही मैं समझता हूँ सबसे शुद्ध अनुवाद घरानों का है और वही उसका कारण है घरानों का। आज भी हमारे यहाँ घराने हैं तो आप चाहे नाम कोई भी दे दें लेकिन मुख्य बात तो यह स्वर और लय का सजाना। बस अगर ये स्वर और लय का सजाना जो है ये अगर हम कर सकते हैं तो चाहे घराना कहिए या न कहिए संगीत का सौंदर्य उसी से होगा। अब एक बात और कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, उसके बाद सब पेपर इत्यादि पढ़े जाएंगे। वो क्या है, मेलोडिक म्यूजिक जो हमारी है उसकी एक बड़ी भारी विशेषता है। वो क्या विशेषता है, जिसको कि मिसेस सुसन लैंगर ने अपनी किताब में फीलिंग एंड फॉर्म, एक बहुत सुंदर किताब लिखी है उन्होंने, और उसमें कहा है कि म्यूजिक का जो आर्ट है उसका 2 मुख्य भेद है, टेंशन एंड रेजोल्यूशन। बढ़त जो है उसमें माइंड का टेंशन होता चला जाता है और फिर लौट के जब आते हैं अपनी जगह पर तो रेजोल्यूशन। ये लोग कहते हैं कि एक बिल्कुल इन्वेंशन है मिसेस सुसन लैंगर का और बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की है। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो अभिनव गुप्त पादाचार्य जो कश्मीर के थे उन्होंने नाट्य शास्त्र में अभिनव भारती जो व्याख्या लिखी है दोनों शब्द मौजूद है। जिसको आज वो टेंशन कहते हैं उसको कहते थे चित्त का विकास, और जिसको आप रेजोल्यूशन कहते हैं उसको कहते थे विश्रांति। विकास और विश्रांति माने क्या कि जब हम एक चीज को आलाप लेते हैं, सन से उठते हैं या जो मुखड़ा है उससे उठते हैं और बढ़ते चले जाते हैं तो उसके साथ साथ हृदय का और चित्त का विकास होता चला जाता है। एक पॉइंट पर आकर के जी चाहता है कि लौट के घर जाना, और जब वहां से चलते हैं तब रेजोल्यूशन शुरू होता है
और मुखड़े पास स्तंभ आ गए तो रेजोल्यूशन शुरू हो जाता। तो टेंशन और रेजोल्यूशन, टेंशन और रेजोल्यूशन, टेंशन और रेजोल्यूशन, इसका कारण क्या है? उन्होंने लिया है शरीर से, उन्होंने लिया है विश्व से। इसको शरीर में आप देखें, हार्ट जो है वो विश्रांति की जगह है, और हार्ट से जो खून चलता है सारे शरीर में चलता है, वो टेंशन के लिए सारी नाड़ियों में शुरू, और लौट करके फिर वो सारे खून फिर से हार्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे सम से चलते हैं, मुखड़े से चलते हैं और विकास करते करते चलते हैं, लौट के आते हैं। मुखड़ा जो है वह हार्ट है हमारा, और ये जो चलते हैं हम, ये आलाप करते हैं, ये जो है वो सारे रक्त को, स्वरों के रक्त को सारे सुंदर उस गान में फेंकता है, और फिर वो रक्त लौट करके फिर भी हार्ट सेंटर पर आ जाते हैं। विकास और विश्रांति, ये हमारे संगीत की विशेषता है, मेलोडिक म्यूजिक की, जो कहीं संसार में देखने को मिलती रही। मैं समझता हूँ इन थोड़ी सी अल्प बातों से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा, और बड़े हर्ष के साथ मैं आज के इस परिचर्चा परिसंवाद का उद्घाटन करता हूँ। केवल एक बात मुझे और कहनी है, और वह यह है कि दुर्भाग्य की बात हो गई कि लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी से अपने देश में पहले तो शास्त्र और क्रिया, जो थियोरेटिकल म्यूजिक और प्रैक्टिकल म्यूजिक, उसके लिए दो नाम हमारे यहाँ, एक शास्त्र थियोरी और क्रिया प्रैक्टिकल, दूसरा नाम है लक्षण और लक्ष्य। लक्षण माने थियोरी, लक्ष्य माने प्रैक्टिकल, लक्षण और लक्ष्य ये दोनों साथ चलते थे। बाद में हुआ क्या कि गाने बजाने वालों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और सिर्फ गाने पर पड़े, तो फिर लक्ष्य जो है अलग हो गया और लक्षण अलग हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है देश में, दोनों को साथ चलना चाहिए। मैं समझता हूँ आपका जो ये ITC है, ऐसे ही कुछ स्थान और कुछ जो हमारे विश्वविद्यालयों में संगीत है, अब वो समय आ गया है कि दोनों को पास में आना चाहिए, और इन सब परिचर्चा से, इन सब परिसंवादों से, इन सब गोष्ठियों से जो सबसे भारी लाभ होगा वो ये है कि जो करने वाला है और जो शास्त्री है दोनों पास में आएंगे, और दोनों बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल से चाहे लाख गाना हो लेकिन शर्त को ऋषभ नहीं बना सकता। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, जो शास्त्र के हैं सिद्धांत हैं, वो दुनिया में कोई उनको टाल नहीं सकता, परंतु तो शास्त्र के सिद्धांत से क्रिया नहीं होगी, क्रिया जो है वो अपनी जगह पर है। इसलिए दोनों का जो समन्वय है, सुंदर समन्वय है, मैं समझता हूँ कि आपकी इस संस्था से वो सुंदर समन्वय चलेगा। तो क्या कमी है आज हमारे देश में? कमी ये है, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तो मैंने इस कमी का अनुभव किया, और वो ये है कि शास्त्र की चर्चा लिखने में आप कितनों ही करें, ठीक ठीक समझ में नहीं आता है वो क्या है। हमारे यहाँ क्रियांग, उपांग, भाषा इत्यादि शब्द शास्त्र के आते हैं, ये क्या थे, लिखने से खुद ठीक नहीं चलता। करण, वर्तनी, भ्रमरी क्या थे? आज भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में कृंतन है, झाला है, गिटकिरी है, ये सब क्या है, आप लिख करके पूरा पूरा नहीं समझा सकते। साइंस ने हमारे हाथ में एक बड़ा भारी साधन रख दिया है, और वो है टेप। तो जब ऑल इंडिया रेडियो में मैं था तब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि एक बात जो लिखी जाए उसको इलस्ट्रेट किया जाए टेप से, तब वो समझ में आ जाएगा। कृंतन हमने लिख के बताया ये कृंतन क्या है, पर पूरा पूरा लिखने से समझ नहीं आता, क्यों, कारण क्या है? कारण जो है, संगीत की भाषा स्वर है, आवाज है, तो उसको लिखने में कैसे लाएंगे आप? चित्र की भाषा जो है उसका तो आप रंग दे सकते हैं, इसका तो ना कोई रूप है ना रंग है, हवा में सवारी करना है तो लिखने में पूरा पूरा कैसे आएगा? इसलिए लिखने में जितना आए आए उसका एक इलस्ट्रेशन, ठीक जहां कृंदन यहां लिखने में किया वहां कृंदन बजा के दिखलाया एक कैसेट। तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो 6 महीने तक हमारा करस्पॉन्डेंस डायरेक्टर जनरल से चलता था, वो ये कहते थे कि हमारा काम ब्रॉडकास्ट करने का है, हमारा काम ये सब करने का नहीं। मैं कहता था ठीक है आप ये ठीक कहते हैं, परंतु इस ये काम
एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये काम एक संस्था कर सकती। कौन सी संस्था है देश में जो इस काम को करेगी? फिर मैंने सुझाया कि यदि आप इसको करें तो कमर्शियल लाइन में वो थियरी और उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कैसेट्स में, ये दोनों आप बेच गए तो कमर्शियल लाइन में आप। फिर जाकर के जब मिनिस्टर को हमने कन्विंस किया तो वो मान गए और हमने ये काम सौंपा रतन जनकर जी को, तो वो शास्त्र भी जानते हैं, क्रिया भी जानते हैं, और ये काम प्रारंभ हो गया। वहां तीन चार बने, इतने बीच में मैं वहां से चला आया और वह काम बिल्कुल खत्म हो गया। चाइना वॉर चला, जो कुछ भी कैसेट बना बना भी था वो भी रगड़ पड़ करके मिटा करके उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, वो काम खत्म हो गया। क्या मैं ये आशा कर सकता हूँ कि वो काम आपके यहाँ हो? शायद अगर हो सकेगा तो ऐसी कोई संस्था ही कर सकेगी, और ये आपको सौंपना पड़ेगा ऐसी जगहों पर जहाँ की शास्त्र और क्रिया दोनों हैं, तीनों डिपार्टमेंट जहाँ पर हैं। एक एक मैं उस जमाने जनरल एडिटर था, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी सेवा अर्पित करने के लिए तैयार हूँ एडिटिंग के लिए, कि ये सब काम हो जाए, एडिटिंग मैं कर सकता हूँ। यदि यह काम कर सकेंगे आप, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उसमें आर्थिक हानि भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो अमेरिका इंग्लैंड चारों ओर इसकी बिक्री होगी। वो आप लिख करके समझाएं खास नहीं समझ में आता है, लिख करके जब उसके साथ कैसेट भी होगा तब पूरा पूरा समझ में आएगा। इस बात को यदि आप दृष्टि में रखें और इस डायरेक्शन में भी, इस दिशा में भी यदि आप कुछ काम कर सकें, तो मैं समझता हूँ संसार का और संगीत का आप बहुत बड़ा कल्याण करें। हम लोगों ने घराने के बारे में बहुत से निबंध सुने, और विशेष करके उसका इतिहास और प्रत्येक घराने की विशेषताएं ये हमारे सामने आई। यदि मुझसे कोई पूछे कि घराने की परिभाषा आप कैसे करेंगे, तो अंग्रेजी में मैं कहूंगा इट्स ए ब्यूटिफुल सिंथेसिस ऑफ टू म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इनोवेशन। अने क्या कि कोई खास बात, खास गुण, विशेषता किसी घराने की है उसके लगातार चलाना चाहिए, मगर अगर वो तो नहीं तक वो घराना रहेगा तो मर जाएगा। उसमें इनोवेशन भी, जिसको कि शास्त्र में कहते हैं उपज्ञा, और हिंदी में उसका शब्द आया है उपज, ये उपज जो है संस्कृत के उपज्ञा शब्द से आया है। तो कॉन्टिन्यूटी, एक संतति, एक प्रवाह, एक परंपरा की का प्रवाह, यह उसका बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें एक सुंदर समन्वय होना चाहिए नवीनता का, उत्कर्ष का, उपज्ञा का। ये दोनों का जब सुंदर समन्वय होता है तभी वास्तविक घराना बनता है। अब आजकल के युग में यह प्रश्न नहीं है कि इसका इतिहास क्या था, कैसे घराने बने हैं, और वो घराने कितने जीवित हैं, कितने नहीं जीवित हैं, इत्यादि का प्रश्न नहीं है। जैसा कि किचलू साहब ने कहा था, हम लोगों के सामने ये प्रश्न है कि आजकल के युग में जो घराने हैं इनकी क्या विशेषताएं हम ग्रहण कर सकते हैं, और हमारे शिक्षा में इनसे क्या लाभ हो सकता है, ये हमारे सामने प्रश्न है। पहले जो घराने थे वो आप जानते हैं कि वो इस तरह से एक चहरदीवारी के अंदर बंद थे कि उस घराने के लोग बहुत दूसरे घराने का गान सुनना भी पसंद नहीं करते थे, और गुरु उनको सुनने की इजाजत भी नहीं देता था। परंतु आज का युग तो बिल्कुल भिन्न है, जहाँ की ब्रॉडकास्ट है, इतना दुनिया भर के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सब कुछ सुनता है। स्वर और लय यही तो दो मुख्य आधार हैं संगीत के। लय को छोड़ करके भी नहीं संगीत रह सकता, स्वर को भी छोड़ करके नहीं सकता। अगर एक तरफ जाएगा दूसरे को छोड़ देगा तो वो पूर्णता नहीं आएगी संगीत में। तो स्वर और लय में क्या खूबसूरती कहाँ मिलती है, चाहे किसी घराने में हो। आज का वो युग है कि चाहे किसी घराने में स्वर और लय की जो खूबसूरती मिलती है, या दोनों का जो गुथाव है अपने अपने प्रक्रिया में, वो कहाँ पर दिखलाई देता है,
ये आजकल का जो विद्यार्थी है वो जहां भी कहीं मिलेगा वो उसको सीख लेगा। तो सच पूछिए तो थोड़े दिनों में ये जो अलग अलग घरानों के नाम हैं, मैं तो समझता हूँ लुप्त हो जाएगा। मैंने अपने अनुभव में देखा है, पंडित विष्णु दिगंबर जी पुलस्कर को मैंने सुना, और उनके सबसे पहले जो प्राचीन शिष्य थे पंडित श्री कृष्ण हरिहर लेकर, पंडित श्री कृष्ण हरिहर लेकर में सबसे अधिक गायकी पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की थी। उसके बाद में आप देखें नारायण राव व्यास की गायकी बिल्कुल भिन्न, हमारे पंडित ओंकार नाथ की बिल्कुल भिन्न। पंडित ओंकार नाथ के ऊपर अब्दुल करीम का काफी असर था, अल्लादिया के जो मंजी खां थे उनके ऊपर रहमत खां का काफी असर था, और बहुत सी बातें रहमत खां से उन्होंने ली, और अल्लादिया को ये शिकायत थी कि ये हमारे घराने की गायकी नहीं गाता है, ये तो कहीं और से लाता है गाता है। तो मंजी खां को उनकी तबीयत के मुताबिक वो ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने उसको भी ले लिया। तो आज के युग में एक ही घराने में बंध करके मनुष्य नहीं रह सकता है। आजकल का वह युग है जहां कहीं भी स्थितिक ब्यूटी उसको मालूम पड़ेगा, एक कलात्मक सौंदर्य श्रृंगार जहां कहीं भी मिलेगा वो ग्रहण करेगा, और पूरा पूरा नकल तो किसी घराने का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। जैसा कि हमारे नेता साहब ने कहा कि वो प्योर इमिटेशन तो आर्ट है नहीं, अपना एक पर्सनल इक्वेशन होता है हर एक कलाकार का, कुछ बातें तो वो लेगा और कुछ जो उसको अच्छा मालूम होता है वो उसमें लगेगा। अगर इस तरह का नहीं होगा तो भी एक एक मृतक परंपरा वो हो जाएगी। तो घराने की विशेषता यह परंपरता और नवीनता, इन दोनों का सुंदर समन्वय जहां पर हो वो घराना हो। अगर केवल परंपरता रही और नवीनता नहीं आई तो भी घराने की कोई बात नहीं है, और हमेशा नवीनता चलती रही तो कोई घराना ही नहीं रहेगा। तो सच पूछिए तो एक ही घराना है, वो भारतीय संगीत का घराना है आजकल, और स्वर और लय का सुंदर समन्वय जहां कहीं भी मिले मैं समझता हूँ विद्यार्थी को भी और शिक्षक को भी। ये आज का शिक्षक ये नहीं कर सकता है। मैं आपको बतलाऊ कुछ घरानों में कुछ ऐब भी आ गए। एक घराने का एक व्यक्ति जो था वो सानुमासिक स्वर लगाता था, तो मैंने कहा, पहले तो लाइव ऑडिशन होता था ऑल इंडिया रेडियो में, तो मैंने कहा कि ये सानुनासिक स्वर आप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे घराने की चीज है। तो मैंने कहा आपके घराने में नक्की स्वर लगाना भी एक विशेषता है क्या? तो देखिए तो अगर किसी ने सानुनासिक स्वर लगाया और वो भी ग्रहण कर लिया तो ये ठीक नहीं है। तो असल बात यह है कि जहां कहीं भी हमको ये स्वर और लय के सौंदर्य मालूम होगा, आज का युग जो है वो संकुचित चार दिवाली में आप संगीत कला को बंद नहीं कर सकते हैं। आजकल का वो युग है जहां कहीं भी उसको सुंदर मालूम पड़ेगा प्रतीत करेगा। अगर घर अगर घराने में लयकारी का काम बहुत सुंदर होता है तो निसंदेह उसको ग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए स्वर का काम बहुत सुंदर किराने घराने में होता है उसको ग्रहण करेगा। स्वर का लगाव, आवाज का लगाव, लय का गुथाव, असल बात तो यह है बेसिक चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, उसके बाद जो कुछ खूबसूरती जहां कहीं भी मिले वही लेना होगा। आजकल के युग में हम बंधन में नहीं रह सकते हैं किसी घराने की। अब मैं समझता हूं इसके बाद थोड़े दिनों कुछ अवकाश होगा और शायद 6 बजे है, 6:30 बजे है, 6:30 बजे डागर साहब का है, उसमें सब आप लोग आने की कृपा करेंगे। कुछ तो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स निकले हैं, जैसे उस्ताद फैयाज खां के और उस्ताद मुश्ताक हुसैन के, जो कि कुछ उन लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो से लिया। उस्ताद मुश्ताक हुसैन के कुछ रिकॉर्ड्स ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के लेजेंडरी ने लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स लिखे हैं, और कुछ तो जो जयपुर घराने का है वो केसर राई के रिकॉर्ड से आपको मिलेंगे, और कुछ किशोरी अमोनकर के रिकॉर्ड से मिलेंगे। आगरे घराने का तो उस्ताद फैयाज खां से बढ़कर के कौन सा उदाहरण मिल सकता है जो उससे आपको मिल जाएंगे। तो
असल बात तो यह है, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आखिरकार ये घराने हैं क्या? स्वर और लय का ही तो सारा संगीत है। किसी ने स्वर पर ज्यादा जोर दिया, किसी ने स्वर के लगाव पर ज्यादा, आवाज के लगाव पर ज्यादा जोर दिया, किसी ने लय पर ज्यादा जोर दिया। खूबसूरत चीज जहां से मिले वो घराना जमाना वो खत्म हो गया मेरे ख्याल से। वो तो वैसा जमाना था कि अपने घराने के बाहर गायकी सुनने को भी नहीं मन देते थे। वो जमाना खत्म हो गया। जो एस्थेटिक ब्यूटी, खूबसूरत कलात्मक सौंदर्य जहां कहीं भी मिलेगा आज का विद्यार्थी लेगा, वो तो काल समाप्त हो गया कि एक संकुचित कमरे में बंद होकर के संगीत को रखना वो समाप्त हो गया है। आज व्यापक दृष्टि है, कहीं भी अच्छा जो उसको मिलेगा वो लेगा। तो जो आपने प्रश्न उठाया है वो तो कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्ड से हमको मिल सकते हैं, अन्यथा तो कोई संभावना नहीं प्रतीत होती है। और एक ही घराने के लोग भी अपना पर्सनल इक्वेशन तो आर्टिस्ट का होता ही है। मैंने तो देखा है कि जो शुरू में मैंने ग्वालियर घराने का सुना था वो आज जो इसको ग्वालियर घराना कहते हैं वो बिल्कुल भिन्न है। शुरू में तो मैंने ये देखा कि स्थाई और अंतरा दोनों दो दो दफे गाते थे। वो पहले पूरा गा लेते थे तब विस्तार करते थे, स्थाई का विस्तार अलग करते थे, अंतरा का विस्तार मध्यम या गंधार से अलग करते थे। आज मैं जो ग्वालियर घराने की गायकी सुन रहा हूँ वो अंतरा तो बहुत कम लोग गाते हैं, स्थाई ख्याल किधर जा रहा है ये मेरे समझ में नहीं आता। सिर्फ मुखड़े की गायकी रह गई ख्याल की, सिर्फ क्षमा कीजिएगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं जो देख रहा हूँ धीरे धीरे, मैंने क्या ख्याल की गायकी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की तरफ जा रही है, शब्दों से कोई मतलब नहीं और चीज बंदिश से कोई मतलब नहीं, बस मुखड़ा पकड़ा और दैत तरह की ताने मारने उन्होंने प्रारंभ किया। ये प्रवृत्ति जो है, मैंने आखिरकार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में और वोकल म्यूजिक में एक विशेष अंतर है। क्या विशेष अंतर है? हीगल वगैरह जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि देयर इज नो मीनिंग इन म्यूजिक। मैं समझता हूं ये शिकायत बिल्कुल गलत है। जिसको आप मीनिंग कहते हैं वो तो नहीं है, लेकिन देयर इज सिग्निफिकेंस। मीनिंग की जगह पर सिग्निफिकेंस है, अर्थात जो अपने शास्त्र के शब्दों में हम कहें तो अभिधा नहीं है लेकिन व्यंजना है। तो शब्दों में जो एक शक्ति होती है और शब्दों के साथ साथ कहां गुरु शब्द है, कहां लघु शब्द है, कहां लंबा शब्द है, कहां छोटा शब्द है, उसके साथ साथ गायकी भी चलती है। तो शब्द और स्वर, इन दोनों का जो सुंदर समन्वय गायकी में है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में नहीं मिलता है। मगर मैं देखता हूं कि आज की गायकी चाहे जिस घराने को आप ले लें सब उसी तरफ भागे चले जा रहे हैं। वो मुखड़े की गायकी रह गई है और बंदिश की गायकी तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम समझते हैं अगर अपने अपने गायन का कुछ हमको संशोधन करना है तो बंदिश की गायकी की ओर हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। केवल मुखड़े की गायकी से काम नहीं चलेगा। और जो आप चाहती हैं वो तो रिकॉर्ड से मिल सकता है, वो रिकॉर्ड को देख लीजिए। हम इसी घराने के गायकी, एक घराने के भी तो कोई, आप किराने घराने को लीजिए, हंगल भाई का देख लीजिए, भीमसेन जोशी का देख लीजिए, यहां तक कि हीरा भाई का भी देख लिए, सब में थोड़ा थोड़ा आपको फर्क मिलेगा और उसको अलग नहीं कर सकते। आखिरकार कोई कार्बन कॉपी थोड़ा ही मतलब है संगीत का कि हर एक कार्बन कॉपी हो जाए उस्ताद का। जो अच्छी बात वो उसमें मिलेगी वो, और जो अपना है वो, माने कॉन्टिन्यूटी और इनोवेशन, ये दोनों जब मिलाया जाएगा, दोनों का सुंदर समन्वय होगा तभी संगीत चल सकेगा। नहीं तो फिर संगीत जो है एकदम से परास्त हो जाएगा। ठाकुर साहब को धन्यवाद। वी आर हैप्पी टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट सब्जेक्ट। मित्रों, आज की जो समस्या है तान की, वो मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि आजकल जो प्रचलित गायकी ख्याल की है उसमें तान का एक बड़ा भारी हिस्सा है।
और ये जिस पर हम पूर्ण विचार नहीं करेंगे तो हम समझते हैं हम अपनी गायकी के साथ अन्याय करेंगे। आज तीन निबंध पढ़े गए। पहले में तो ऑरिजिन उन्होंने दिखलाया कि तान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका मूल क्या था। दूसरे में डॉक्टर गौतम ने जो दिखलाया वो तान के प्रकार दिखलाए, और तीसरे में उस्ताद यूनुस हुसैन साहब ने ये दिखलाया कि बंदिशों में तान किस तरह से गुथी रहती है। तो तीन एस्पेक्ट्स, तीन विभाव तान के जो हैं वो हमारे सामने आ गए। अब इस संबंध में तान का प्रादुर्भाव जो है, जो बंगला में उन्होंने लेख पढ़ा था उसमें उन्होंने दिखलाया कि आर्चिक और गाथिक तान और समांतर तान इत्यादि इत्यादि, ओडव तान, शाडव तान इत्यादि इत्यादि। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब हम अपनी गायकी के आधुनिक शब्दों को लेते हैं तो ये न सोचें कि जिस अर्थ में आजकल हम उसको समझते हैं उसी अर्थ में प्राचीन समय में भी समझते थे। ये एक बड़ी भारी गलती हो। जिसको आज हम तान कहते हैं उसी अर्थ में तान शब्द का बराबर प्रयोग नहीं होता रहा है। यही नहीं, संगीत शास्त्र में एक बड़ी कठिनाई है, एक एक शब्द के तीन तीन चार चार अर्थ। स्थाई शब्द को आप ले लें, स्थाई शास्त्र में इनका स्थाई स्वर क्या है, माने जिसको हम कहते हैं कि की नोट, उस अर्थ में भी स्थाई शब्द का प्रयोग है। फिर स्थाई वर्ण, स स स स स, रे 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 रे, जो रिपीट करते हैं उसको स्थाई वर्ण, वहां भी स्थाई शब्द है। फिर आपको कितनी स्थाइयां याद हैं, विलंबित लय में जो ख्याल होते हैं उसको लोग भी बोलते हैं स्थाई, और वो स्थाई में गाते हैं, और फिर पहली लाइन को भी कहते हैं स्थाई और दूसरी लाइन को कहते हैं अंतरा। तो एक ही शब्द स्थाई और चार चार अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। यदि हम इसका ध्यान न रखेंगे तो हम भ्रांति में पड़ेंगे। ऐसे ही स्वर शब्द भी, पहले जो ऋग्वेद में और सामवेद में जिसको आज हम स्वर कहते हैं उसको कहते थे यम, ये यमा ते स्वराह, ये बाबर मिलता है, जो यम है वही स्वर। यम क्यों कहते थे, यम के माने रेगुलेशन के हैं। तो जहां ध्वनि रेगुलेटेड हो जाए वो वास्तव में स्वर है। यही तो फर्क है ध्वनि में और स्वर में, कि ध्वनि जो है, जो हम बोल रहे हैं इसमें रेगुलेशन नहीं है वाइब्रेशन का, और वहां रेगुलेशन है, वहां यम शब्द का प्रयोग है। अब यम को कोई यमराज समझने लग जाए तो बहुत भारी भ्रांति होगी। तो आज जिसको हम तान कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा स्वरांतर जो है वो तीन स्वर की एक तान होती थी, वो तान इस अर्थ में नहीं है। वहां पहले पहल तान शब्द का, जैसे ग्रीक में टोनस शब्द है, माने तनाव जहां है, जहां पर टेंशन है, ध्वनि का जहां टेंशन है उसको तान बोलते थे। माने क्या स्वर के अर्थ में वहां है, तीन स्वर को स्वरांतर कहते थे, वो तान नहीं होती। जिस अर्थ में हम तान आज समझते हैं उस अर्थ में वो तान नहीं होती थी, वो स्वर होते थे। तो यदि लेकिन तान शब्द का बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि तान शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, पर उस अर्थ में नहीं किया है जिस अर्थ में आज हम तान को समझते हैं। तो इस बात को हमको पहले ध्यान रख लेना होगा। संगीत शास्त्र के पढ़ने में मुझे यही एक बात सीखने में आई, संगीत रत्नाकर पढ़ते पढ़ते मैंने पगला शब्द पाया। मैं बड़ा घबराया कि संस्कृत में पगला शब्द क्या है, ये तो पगला शब्द संस्कृत का तो है नहीं, ये है क्या भला, कुछ समझ में नहीं आया। जब कल्लीनाथ की टीका देखी तब समझ में आया, प माने प्लुत, ग माने गुरु, ल माने लघु, तीनों का लेकर के पहला पहला अक्षर लेकर के पगला अक्षर बना लिया। प्लुत गुरु लघु जिसमें हो वो है पगला। आपने आप देखेंगे ऐसे ही ये अक्षर मुष्ट कहलाते हैं संस्कृत में, अक्षर मुष्ट। तो माने क्या कि जहां जहां
प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लेकर के एक नया शब्द बनाया जाए उसको संस्कृत में बोलते हैं अक्षर मुष्टि। ऐसे ही भरत शब्द, भरत बने भ से है भाव, र से है राग, त से है ताल। भाव, राग और ताल तीनों का समन्वय में जिसमें हो वह है भरत। अब बोलिए, अब भरत तो नाम है एक, और अगर ये न समझेगा तो कोई भरत के नाट्य शास्त्र को समझ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से शास्त्र के पढ़ने में ये सब बातें देखने में आती हैं। अब प्रश्न यह है कि हम तान का जिस अर्थ में आज हम प्रयोग कर रहे हैं, वैसे तो तान बहुत ही प्राचीन शब्द है। तान तन धातु से संस्कृत के बना है, जिसके माने तनाव, विस्तार। तान के माने विस्तार। द्रुपद में भी वो ताने लेते थे, परंतु किस प्रकार से ताने लेते, जैसे आजकल की द्रुत ताने लेते हैं वो नहीं। ये बोल का जो कर्षण होता था, खिंचाव, उसमें वो तान चलती थी। तीन मात्रा तक, चार मात्रा तक अकार से लेकर के उसको खिंचाव चलते ले गए थे। इनसे संत साहब ने उसका जिक्र किया था, उसको वो तान कहते थे। तो ये बात नहीं कि तान पहले नहीं थी, पर उस अर्थ में नहीं थी जिस अर्थ में आज हमारा तान है। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। ये जिस अर्थ में आज हम तान को कहते हैं, ये निस्संदेह विस्तार है। और तान के प्रकार जैसे उन्होंने बताए बहुत से हैं, मैंने संगीत रत्नाकर में तो जो अलंकार के तान दिए हैं वो कोई 40,000 से ज्यादा। केवल अलंकारों की तान है यदि आप लें, फिर तान को जाने दीजिए, वक्र तान को जाने दीजिए, सपाट तान को जाने दीजिए, केवल अलंकारिक तानों को यदि आप लें तो 40,000 कोई 500 होते हैं। एक दिन पहले हिसाब लगाया था, 40,000 से ज्यादा है बाहर। वही रटते रटते आदमी की सारी जिंदगी बीत जाए। तो प्रश्न यह है कि आखिरकार ये जो हम इतने प्रकार की ताने लेते हैं, तान तान के लिए है या बंदिश की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, प्रश्न यह है। मैं समझता हूं जिस बात की ओर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया, उसी बात की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। तान क्या एंड है या मीन्स है? हम लोगों ने आजकल की गायकी में तान को एंड बना लिया है। एक बहुत अच्छे गायक अपने देश के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आलाप बहुत सुंदर करते थे, परंतु जब वो तान लेते थे तो ऐसा लगता था मानो दो बिल्लियां आपस में लड़ रही। बड़ा घबराता, भाई ये क्या बला है, ये संगीत है या क्या है, ये है क्या? ऑल इंडिया रेडियो में जब रेडियो संगीत सम्मेलन हम लोग करते थे तो उस समय तो हम बिल्कुल लाइव करते थे, इस तरह का नहीं होता था जैसे आजकल पर प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं करते थे। तो एक उस्ताद गा रहे थे, मेरे बगल में एक यूरोपियन म्यूजिशियन बैठा हुआ था, वो ताने ऐसे ही ले रहे थे। तो मुझसे उसने झुक के कहा, डोंट यू मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? नॉइज को भी आप म्यूजिक कहते हैं क्या? तो सब पूछिए, आप चाहे सपाट तान लें, चाहे फिरत तान लें, चाहे गमक तान लें, जो भी तान लें, पांच शर्तें तान की हैं। यदि इन पांच शर्तों का निर्वाह नहीं होता है तो चाहे किस प्रकार की भी तान आप लेते हैं सब बेकार। क्या है पांच शर्त? पहली शर्त तो यह है कि अकार उसमें स्पष्ट होना चाहिए। कर दिया, ये कोई तान नहीं, ये तो कोई तान नहीं। समझा आपने? प्रत्येक आकार मोती के दाने की तरफ से प्रत्येक आकार स्पष्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो आकार स्वर में होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है उस राग के स्वर में होने चाहिए। आप भोपाली के तान ले रहे हैं, स्वर में है आपका, लेकिन आप मध्यम निषाद आपके तानों में आ रहा है तो बिल्कुल बेकार है, उस राग के स्वर में होना चाहिए, ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त यह है कि वो लय में गुती हुई होनी चाहिए। तबले की लय कहीं जा रही है, आपके तान की लय कहीं जा रही है, सम के पास फोर्स्ड लैंडिंग आके हो गया, ये चौथी शर्त है।
पांचवी शर्त यह है कि हर एक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गम प गम प गम प गम पध प गम पध प, वोकल एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है उसके कितना योगदान आपके उससे उस चीज में होते हैं, ये पांच शर्तें हर एक तान के लिए हैं। और इनके अलावा जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सवाल ये है कि हम जो गाते हैं वो क्या पैच वर्क लगाते हैं आलाप और तान का, या जो उसका मिजाज है राग का, बंदिश का जो मिजाज है, उसके लय का जो मिजाज है, उसके मिजाज का विस्तार करना चाहते हैं, सवाल ये। अगर हम केवल एक प्रणोद लगाते हैं, आजकल ये दशा हो गई है कि जैसा मैंने अभी शुरू सुबह में भी कहा था कि सिर्फ मुखड़ा लिया और ताने मारने उन्होंने शुरू कर दी बिना सिर पैर के। अब देखना यह है कि अगर एक चीज है, एक बंदिश है, एक बंदिश पर मान लीजिए हम स्थाई में गा रहे हैं और स्थाई में एक जगह हम रुके और वहां तान लेना चाहते हैं, तो जो तान ले रहे हैं, जो चीज हमने कही है, उस चीज के सौंदर्य का और उसका विकास हम दिखलाना चाहते हैं, या हमने जो एक तान रटी है उसके ऊपर हम थोपना चाहते हैं, सवाल यह। तान क्या एक इम्पोजिशन है चीज के ऊपर, बंदिश के ऊपर, या उस बंदिश की ही खूबसूरती का एलेबोरेशन है, सवाल यह है हमारे सामने। ऐसे ही अगर हम मंत्रा गाते हैं और गंधार से शुरू किया हमने, तो जो हम आगे तान लेते हैं वो जो हम मंत्रा गा रहे हैं उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो तान लेते हैं, या उसके ऊपर थोपना चाहते हैं एक हम अपना तान, ये दूसरी बात है। तो मैं तो जहां तक समझ पाया हूं, आज जो हमारे ख्याल की गायकी में है, हम समझते हैं जैसे ताल की लड़ाई में ध्रुपद की हत्या हो गई, वैसे ही तान की लड़ाई में हमको लगता है ख्याल की हत्या हो जाएगी, हम अपने ही हाथों अपने अपनी गायकी की कब्र खोद डालें। ये मैं आपको निस्संदेह बता रहा हूं, मैं आप लोग जो गाने वाले हैं वो उनके संपर्क में नहीं आते हैं जो बिल्कुल गाना नहीं जानते, मैं दोनों के संपर्क में आता हूं, जो बिल्कुल गाना नहीं जानते उनके भी संपर्क में आता हूं, और जो गाना जानते हैं उनके संपर्क में तो बराबर रहा ही। तो हर एक आदमी ये देखता है कि ये जो आ आ कर रहे हैं, इस आ में कोई खूबसूरती भी है या यूं ही आ आ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर ख्याल में, मुझे क्षमा करेंगे, 90% तानों में रागदारी नहीं रह जाती, राग का स्वरूप नहीं रह जाता है। 10% ऐसे उत्ताद होंगे जो राग के स्वरूप को तानों में निर्वाह करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक शर्त यह है कि जिस राग में आप तान ले रहे हैं उस राग के स्वर उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी 3-4 महीने हुए लखनऊ में मैं गया था, तो एक मैंने संगीत प्रेमी मित्र के यहाँ गया मिलने, उन्होंने एक गायिका के विषय में बड़ी प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि देखिए कितना रेंज ऑफ वॉइस है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ये तो सब ठीक है, रेंज ऑफ वॉइस तो बहुत अच्छा है, मगर तानों में तो बिल्कुल बेसुरी हो जाती हो। उनका अच्छा ये कैसे कहते हैं आप? संयोग बस उसी दिन रेडियो पर उनका गाना आ रहा था। मैंने कहा अच्छा, पेंसिल और कागज लेके आप भी बैठिए, और पेंसिल और कागज लेकर के मैं भी बैठता हूँ, और देखिए कितना परसेंट इनकी तान जो है उस सुर में रहती है, उस राग के सुर पर रहती है। तो मेरे हिसाब से 80% वो बेसुरा निकला, और उनके हिसाब से भी 75% बेसुरा निकला। तो क्या ख्याल की गायकी ने हमको ये लाइसेंस दे दिया है कि सिर्फ हम स्थाई और अंतरा सुर में कहें और उसके बाद जैसा चाहें गला घुमाएं? तान के माने तो गलेबाजी के नहीं है, तान का अर्थ लोगों ने समझ रखा है गलेबाजी, अब गलेबाजी करो, न राग से मतलब, न उसके बंदिश के मिजाज से मतलब, अब गलेबाजी करो। अगर ये रहा तो ख्याल खत्म हो जाएगा, मेरी भविष्यवाणी आप समझ लीजिए। तान जो है
it must contribute to the aesthetic beauty of the whole. Hamari jo gayaki hai, wo psychology ke term mein gestalt hai. Gestalt usko kehte hain, jahan sab mil karke ek khoobsurat cheez banaye. Jaise uska udaharan kavya shastra mein panak se diya jata hai. Panak mane kya? Thodi imli bhi hai usme, thoda shakkar bhi hai usme, thoda namak bhi hai usme, thodi ilaichi bhi hai usme, thoda kapoor bhi hai usme. Aise aise matra se sabko mila karke sabka swad ek aisa nirala ho jata hai ki wo swad na akele ilaichi mein hai, na akele shakkar mein hai, na akele pani mein hai. Sabke mila karke ek naya swad banta hai. Aise hi aalap aur taan aur lehkari aur boltan, in sabka mila karke ek panak ke roop mein hamara aana chahiye. Utni hi taan leni chahiye jitni taan se hamari bandish ya ragdari ki cheez ki sajavat ka vikas hota ho, vistar hota hai, utni hi taan leni chahiye. Humko 500 taane yaad hain, isme 200 taane aaj hum zarur sunayenge, ye koi zaruri baat nahi hai. To main samajhta hu ki gayaki ki drishti se dekhna chahiye humko. Taan abhyas ke liye theek hai. आजकल के जो विद्यार्थी हैं, मैं आपको बताता हूं, शुरू में उनको कभी आकार की ताने नहीं लेने देनी चाहिए. अगर आप उनको लेने देंगे तो बिल्कुल बेसुरे हो जाएंगे. आप निस्संदेह मान लो, समझा आपने. शुरू में तो उनको केवल एक एक मात्रा से आकार का कहलाना चाहिए, उसी राग का. जब गला उसमें पकड़ ले तब एक मात्रा में दो आकार, और गला पकड़ ले तब एक मात्रा में चार आकार. यदि यह नहीं हुआ और शुरू से वो तान लेना नकल करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो समझे विनाश होगा और कोई नतीजा इसका नहीं होगा. मैंने मेरे मित्र गोविंदराव टेंबे, उन्होंने मराठी में एक पुस्तक लिखी है, माझा संगीत व्यासन. बहुत सुंदर पुस्तक है. वो सारा जीवन उनका संगीत में बीता. हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे और नाटक के भी बड़े शौकीन थे. एक जगह उन्होंने लिखा है उसमें कि मैं नाटक का बहुत शौकीन था और मैं कोई 8:30 बजे नाटक देखने जा रहा था. रास्ते में उस्ताद अल्लाह दिया का मकान पड़ता था, तो मैंने देखा कि बैठे हुए खिड़की से मैं जा रहा था, देखा बैठे हुए तान ले रहे. 2:30 बजे रात को जब मैं लौट के आया तो देखा वही तान ले रहे हैं. अब आप समझिए, उस्ताद अल्लाह दिया जैसे उस्ताद, और एक तान को 8 बजे से लेकर के और 2:30 बजे रात तक, क्योंकि तान का काम इतना मुश्किल है, जितना वो सुंदर है उतना ही वो मुश्किल है. सच बात तो यह है कि न मालूम कितने अभ्यास के बाद एक तान हाथ में आती है, और जब तक पूरा अभ्यास न हो जाए, मैंने इतना अभ्यास गले का हो जाए कि उस राग में गला आप से आप उन्हीं स्वरों को पकड़ने लग जाए, तब तो तान लेना ठीक है. और जब तक इतना अभ्यास नहीं हो जाता है तब तक तो फिर वही गलेबाजी का है. मैंने आप ग्रामोफोन रिकॉर्ड में पाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े उस्ताद का है, बिल्कुल दो बिल्लियां लड़ रही ऐसा मालूम होता है. एक उस्ताद का है जैसे मालूम होता है मुर्गी हलाल हो रही है, ची 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 ची, ऐसा मालूम होता है. क्या यह संगीत है? हम तान ले रहे हैं साहब, आपको समझ में नहीं आता. अरे भाई, आप तान ले रहे हैं तो तान लेने के माने ये थोड़े हैं कि आपको ये स्वेच्छाचारिता हो गई है कि स्वर से कोई मतलब नहीं है, राग से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आ करते जाइए आप, तो फिर संगीत ही नहीं रह जाएगा, तो नॉइज हो जाएगा. तो इस प्रकार के तान से कोई भी लाभ मैं समझता हूं नहीं हो सकता है. और यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो मैंने मेरे स्वर्गीय मित्र केशवराव भोले, उन्होंने भी मराठी में एक ग्रंथ लिखा है सप्तर्षि, और आश्चर्य है उन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड करके दिखलाया है और रिकॉर्ड का नंबर दिया है, उन तानों का भी स्वर दिए हैं. केसर बाई केरकर की तानों में उन्होंने गलतियां निकाली हैं, 5-6 जगह बिल्कुल बेसुरी. जब इतने बड़ी गायिका की ताने बेसुरी होती हैं तो साधारण आदमियों को तो ख्याल के माने अगर ये है कि साहब हमसे स्वर से कोई मतलब नहीं है, हम तान लेंगे,
मैंने तान ले लेंगे, मैंने क्या गलेबाजी करके, तो यो कोई ताल। अगर हम इसको दृष्टि में नहीं रखेंगे तो हम समझते हैं हमारे ख्याल का भी वैसे ही कि हत्या होगी जैसे हमारे और प्रबंध इत्यादि का हत्या हो गई। अभी एक मेरे पास पर्चा आया है कि आपने तो बहुत से लोगों को सुना है और अलग अलग घरानों के तानों का। सच बात तो यह है कि तानों का कोई अंत नहीं है, अनंत। जिस प्रकार से शारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर में जब गमक का प्रकार लिखना प्रारंभ किया तो 15 प्रकार के गमक उन्होंने लिखलाए, और पार्श्वदेव ने संगीत समय सार में 20 प्रकार के गमक। शारंगदेव ने अंत में यह कह दिया कि गमक अनंत, कहां खूबसूरती पैदा कर सकता है गायक, ये कलाकार के ऊपर है। ऐसे ही मैं समझता हूं ताने भी अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। किस जगह से कैसे खूबसूरती पैदा कर सकता है। अब हमको गमक की मान लीजिए तान लेनी है और हम एक ऐसे सुकुमार जगह पर खड़े हुए हैं और वहां उसके ऊपर का गमक की तान हम थोपते हैं तो क्या यह ठीक रहेगा। किस जगह पर हम उस गमक की तान लगाए। मैंने देखा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को, उनके गमक की वो तान लेते थे, वो तान फिर मैंने अपनी जिंदगी में और सुनी नहीं। और वो जमानी में लेते थे, वो 1911 में मैंने ये तान सुनी थी और वो तान यहां से चलती थी, नाभि से चलती थी, हा हा करके उनका पेट ऐसे ऐसे होता था। तो वो गा रहे थे मियां की मलार, और मलार में बिजली चलकर जब आया शब्द वहां पर उन्होंने वो तान ली। अब हमको गमक की तान लेनी, हम दिखलाते हैं गमक की तान लेनी और गा रहे हैं कहा अब मानो और उस पर गमक की तान लगा रहे हैं, इन दोनों का संबंध क्या, ये बुझाने पड़े। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तान किस जगह पर कैसी तान लेनी। जैसे मंत्र पर प्रकार के तान, बुंदू खान उस्ताद बुंदू खान ने भारत के सब लोगों को बड़े बड़े विद्वानों के साथ संगत की थी, उन्होंने मुझे कोई 35-40 किस्म की ताने सुनाई और अंत में उन्होंने ये कहा कि भैया हमने ताने तो बहुत अपने सारंगी में बजाई और सुना भी, लेकिन आजकल जो तान लोग ले रहे हैं वो अतान है तान में, मैंने वो तान स्वर में है नहीं। तो असल बात तो यह, जैसे आजकल के ये प्रकार के ताने, अब उस्ताद फैयाज खां को मैंने देखा ताने लेते 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 बीच में उसमें एक मिड ले लेते थे। आपने अपने उसमें जिक्र भी किया है अपने ऑल इंडिया रेडियो को उसमें, अब ये बात हमने बहुत कम लोगों में देखी। तो कैसा सजाना तान को, ये भी एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं रखेंगे, विशेष करके अपने विद्यार्थियों को, तो आप शुरू शुरू में बिल्कुल आकार की ताने मत लेने दीजिए, नहीं तो सब बेसुरे हो जाएंगे, इसमें तृण मात्र संदेह नहीं है। जब तक उस राग में अगर आकार की ताने लें तो पहले स्वर कहलाइए, उस स्वर पर आकार को बैठाइए, एक एक मात्रा में बैठाइए, और ये बहुत द्रुत तान एकदम से अगर वो लेंगे तो बिल्कुल बेसुरे हो जाएंगे, इसमें तृण मात्र भी संदेह नहीं है। बेसुरापन अगर आ गया संगीत में तो आप नाम लीजिए तान का, फिर वो संगीत नहीं रह जाएगा। मुझे विशेष रूप से यही बात आपके सामने अर्ज करनी थी कि यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि 5 शर्तें जो मैंने तान की बताई हैं, इन 5 शर्तों को अगर हम निभा नहीं सकते हैं तो सब तान बिल्कुल बेकार है। मुझे इतना ही कहना। हाँ, बात यह है कि प्रायः लोगों का यह ख्याल है कि कर्नाटक म्यूजिक में तान नहीं, ये बात नहीं है, तान उनमें भी है, और एक माने में हमसे अच्छे हैं वो, और एक माने में हमसे गिरे हुए हैं। इस माने में अच्छे हैं कि वो जो ताने लेते हैं वो सरगम में ताने लेते हैं, आकार में ताने नहीं लेते, बहुत ताने लेते हैं। सिमनगुड़ी को आप देखिए, आपका सांस फूल जाए इतने सरगम चलता रहता है, उनको 2-2, 3-3, 4-4 मिनट तक सरगम चलता रहता है, ताने लेते हैं, लेकिन सिर्फ वोकल एक्सरसाइज है। उस आकार के बिना वो तान, जो लहर उठती है आकार से हमारे यहां, वो लहर गायब है। जो लहर आकार से एक उसके ऊपर जो लहर सी उठती है, वो लहर वहां उन तानों में नहीं दिखलाई देती।
आप मगर एक बात में वो हमसे अच्छे हैं कि स्वर में रहते हैं वो, क्योंकि वो स्वर गाते हैं, सरगम गाते हैं, इसलिए सरगम में तो रहते हैं। हम सरगम नहीं गाते हैं, वकार में गाते हैं, तो खुद ही गाने वाले को पता नहीं रहता है कि हम कहां जा रहे हैं। जहां कहीं भी वो ले जाए हमको, अब हमने अपने को उसके हाथ में छोड़ दिया। इसलिए इसमें तो इतना अभ्यास होना चाहिए कि कहीं विचलित हो ही ना। यदि इतना जिसका अभ्यास हो उसी को ताल लेना चाहिए, नहीं तो स्वर का पता चलता नहीं जल्दबाजी में कि इस राग का स्वर के ऊपर हम जा रहे हैं या यूं ही जा रहे हैं, आकार फेंक रहे हैं, कहां आकार है इसका कोई ठिकाना नहीं। उनमें कम से कम ये बात जरूर है कि उस राग के स्वर के सरगम होते हैं, क्योंकि सरगम में तो उनको पता रहता है कि मध्यम पर मैं जा रहा हूं, पंचम पर जा रहा हूं, धैवत पर जा रहा हूं। यहां तो फिर आकार में कुछ पता ही नहीं रहता है कहां जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही खतरे की चीज है। तान जितनी खूबसूरत है उतनी खतरे की चीज है, खूबसूरती के साथ खतरा लगा हुआ। तो ये देखना है। अच्छा, और एक बात मैं देख रहा हूं कि आजकल पहले जो होता था, जैसे ग्वालियर की गायकी जो मैंने सुनी थी, मैंने जो सुनी है, मैंने शंकर पंडित को सुना है और निसार हुसैन को, दो को अपने कानों से मैंने ग्वालियर में सुना है। उन लोगों का मैंने देखा कि जैसे घराने की बात चल रही थी कि स्थाई को पूरा एक दफे कहते थे, फिर दो बार स्थाई, फिर दो बार अंतरा, तब विस्तार शुरू करते थे। बोल पहले आकार से आलाप लेते थे और फिर बोल से आलाप, और काफी कम से कम मेरे ख्याल में उनके गाने का आधा हिस्सा आलाप का होता था। आलाप जो है हमारे संगीत का एक प्राण है, हमारे संगीत का आलाप है क्या, स्वर और लय में दिल की कहानी, ये आलाप है। तो उसी आलाप में उस राग की सुकुमारता, उस राग की व्यंजना उसी आलाप में जाहिर होता है। और ताने जो लें तो राग का ओज, राग का बल, प्रत्येक राग में दो बातें होती हैं, एक उसकी सुकुमारता है, एक उसकी व्यंजना है, एक उसका सौष्ठव है, एक उसका रौचर्य है। ये एक है, ये आलाप पे आता है। और दूसरा जो है उसका ओज है, उसका बल है, ये तानों में आता है। तो ये दोनों मिल करके जब हम गाते हैं, और कहां पर जैसे कितना आलाप में उठाना है, कितनी तान में उठाना है, किस जगह से उठाना है, मने क्या, इट शुड बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एलेबोरेशन ऑफ द टीजर, द बंदिश दैट यू आर सिंगिंग। इट शुड नॉट बी एन एक्सटर्नल इम्पोजिशन ऑन द बंदिश। हम बंदिश गा रहे हैं, चलो अब हमको ताने लेनी है, घर झर फर कर रहे हैं, चाहे उससे उसमें कोई आनंद आवे चाहे ना आनंद आवे, ये इससे कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं उससे संगीत की सिवाय क्षति होगी, हानि होगी, अपलाप होगा, संगीत का विनाश होगा। और इसी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने एक बड़े भारी गवैये की हालत आलाप बहुत अच्छा करते थे, पर जब तान लेते थे मैं समझता हूँ बिल्कुल जैसे दो बिलियन लड़ रहे। अंत में मुझसे नहीं रहा गया, एक दिन मैंने उनसे कहा आप इतना अच्छा आलाप करते हैं, तान न लें तो कोई हर्ज है? उनका ठाकुर साहब तान न लें तो गवैया हमको गवैया नहीं मानेंगे। अब इसका क्या जवाब मैं दूं? मतलब ये है कि इतना हमारे दिमाग पर तान सवार हो गया, तान का भूत, कि अगर हम तान न लें तो कोई गवैया नहीं मानेगा। तो तान को भूत न बना लें हम लोग, तान को जितना उसका हिस्सा है, और इसमें तृण मात्र संदेह नहीं उसका बहुत भारी योगदान है तान, पर योगदान मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तान इज ओनली ए मीन्स, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। जब हम उसको एक एंड इन इटसेल्फ बना लें, उसी को लक्ष्य बना लेंगे अपना, उसका लक्षण नहीं रखेंगे, उसको लक्ष्य बना लेंगे, तब हमारा संगीत नष्ट हो जाएगा। कि मुझे अतीव प्रसन्नता हुई, मेरी अवस्था 87 वर्ष की हो गई है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बड़े बड़े उस्तादों को सुना है, गौहर जान और हुस्ना बाई का 12 घंटे का मैंने कलकत्ते में सवाल जवाब 8 बजे रात से लेकर के सुबह 8 बजे तक इसी कलकत्ते में मैंने सुना,
और लंगदहन सारंग आपके जाकिर हुसैन उस्ताद जाकिर हुसैन का जो मैंने सुना आज तक मैं उसको भूल नहीं सका लंगदहन सारंग जाकिरुद्दीन साहब तो आज तक उसको नहीं भूल सका। 1925 में जब आपके ग्रैंडफादर उस्ताद अला बंदे खां लखनऊ में आए थे उस समय जो उनके गले से गमक मैंने सुना वैसा गमक मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं। मैंने ऐसा मैं लगता था जैसे घड़े को कुएं में किसी ने रख करके और यों 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 वैसी गमक मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। इसी तरह से उस्ताद मुराद खां को मैंने सुना उनकी वीणा। आपको उसका मैं बता दूँ कि 1925 में भातखंडे जी ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया था उस्ताद मुराद खां को और उन दिनों मैं कानपुर में DAV कॉलेज में प्रोफेसर था और छुट्टी लेकर के मैं गया और मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी आपने जितने लोगों को बुलाया है मैंने सबको सुन रखा है लेकिन उस्ताद मुराद खां को मैंने नहीं सुना था उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा चलिए मैं आपको मिलाता हूँ। मिलाया उन्होंने तो उन्होंने कहा आज तो मेरी तबीयत अच्छी है नहीं आज तो मैं नहीं बजा सकूँगा मगर कल मैं बजा सकता हूँ। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा एक बात और है सुन लीजिए। मैंने कहा वो क्या है। मैंने कहा उन्होंने कहा 25 राग से ज़्यादा मुझको नहीं पता 26वां राग मैं नहीं जानता सिर्फ 25 राग जानता और उस 25 राग में भी सिर्फ 2 राग ऐसे हैं जो अपनी तबीयत के मुताबिक मैं बजा सकता। मैंने कहा वो कौन से 2 राग हैं। उन्होंने कहा भैरवी और पीलू। तो मैंने कहा कि कल कब बजाइएगा आप सुबह। तो उन्होंने कहा भैरवी सुनाइए। ठीक जो साहब मैंने उनकी भैरवी सुनी तो वह वीणा के एक एक स्ट्रोक में ऐसे करते थे जैसे मालूम होता था प्राण खींच लेगा ये ऐसा लगता था मुझको। और सुनने के बाद फिर मैं गया उनके घर पर मिलने। मैंने कहा उस्ताद जिंदगी भर से भैरवी सुनता आ रहा हूँ लेकिन आज तो आपने कमाल किया ऐसी भैरवी तो मैंने कभी सुनी नहीं बात क्या क्या जादू करते हैं आप। उन्होंने कहा आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको बतलाऊं। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। उन्होंने कहा 8 बरस तक 8-8 घंटे मैंने सिर्फ भैरवी बजाई और किस तरह से बजाई है कि एक स्ट्रोक में जब बजाता था तो सोचता था इसको और कैसे खूबसूरत कर सकते फिर लगातार कर नहीं नहीं ये नहीं बना आप इसको और कैसे खूबसूरत कर इस तरह से सोच सोच करके इसीलिए जिंदगी में कुल 25 रात में कर पाया। अब आजकल तो जो हमारे सिलेबस बनते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉलेज में 75 रात। अरे बाप रे बाप 75 राग। मैं अपने गुरु के पास सीखते गया 3 महीने तक यमन चलने लगा तो मैंने कहा गुरु जी कोई और अच्छा तुमको यमन आ गया जो और राग सिखाए अभी अभी चलो 3 महीने और यमन सीखो। तो ये तो दशा थी। कई एक बंदिशें जब उसमें देख लेते हैं तब कहीं राग का ज्ञान जो होता है बात यह है राग तो एक आर्किटेक्टोनिक पैटर्न है मैंने उसका एक बेस है और उस बेस के ऊपर जैसे भवन खड़ा करते हैं दीवारें खड़ी हुई फिर गुंबद खड़ा हुआ फिर ये खड़ा हुआ ऐसा राग एक आर्किटेक्टोनिक पैटर्न है और एक जगह चढ़िए। अब आजकल तो ये एक नया फैशन चला है कि साहब हमने एक राग बना दी। कैसे राग बना दिया आपने तो एक स्वर निकाल दिया इसका दूसरा स्वर क्या राग बन गया। अब आप देखिए राग तो एक पैटर्न है एक सुंदर आकृति है। आप जो है एक एक टांग में पतलून पहन ले एक टांग में पजामा तो कैसा लगेगा। तो ये इस तरह से कहीं राग बनता है माफ कीजिएगा स्वर से राग दूसरे स्वरों पर क्या पड़ेगा पैटर्न पर क्या पड़ेगा इस तरह से खेल है राग बनाना। तो जब तक इसको हम ख्याल नहीं करेंगे ये हमने ये समझ रखा है चलो एक बागेश्वरी में शुद्ध ऋषभ की जगह पर कोमल ऋषभ बना लगा दिया चलो एक नया राग हो गया। अरे आपने उधर कोमल ऋषभ बजा दिया तो उसका असर धैवत के ऊपर क्या पड़ेगा जरा बिल्कुल भी तो सोचिए। तो इस तरह से तो राग नहीं बनते भाई तो ये सब सोचना है। तो जो आज मैं प्रशंसा कर रहा हूँ IT साहब इस उम्र में भी मैं जो आया इसीलिए आया कि इन्होंने जो चर्चा छेड़ी है अब हमें आशा हो गई कि हमारा संगीत का उद्धार हो क्योंकि अभी तक ऐसा होता था जो ये अपने गा बजा के चले गए और वाह वाह हम लोगों ने मुंह पर कर दिया पीठ पीठ पीछे
उनकी निंदा करनी शुरू की और सुनने वाले अपने चले गए। सुनने वाले श्रोता और कलाकार इन दोनों का और शास्त्री, शास्त्री लोग अपना शास्त्र लिए अलग है और जो कलाकार है अपना कला लिए अलग है, इन तीनों का जब समन्वय होगा, तीनों की विचार गोष्ठी होगी, आदान प्रदान होगा, विचारों का विनिमय होगा, तब जाकर के हमारे रागों में संशोधन। ये हम जो समझ बैठे हैं कि हमने जो कुछ आज तक किया है बस वही अंतिम है, इसके आगे कुछ नहीं है, हम समझते हैं ये बहुत भारी हमारी भ्रांति होगी। हमको सोचना है, विचारना है कि किस सिलसिले से, किस रास्ते से हमको आगे चलना है, हमारी क्या धरोहर है और आगे हमको क्या इसमें बढ़ाना है, दोनों को हम तो इन उस्तादों को नतमस्तक होकर के नमस्कार करते हैं कि हमारी इस धरोहर को 500-700 वर्ष से इन लोगों ने रखा। अगर ये लोग न हो गए तो नमन कहां चला जाता संगीत हमारा। इसलिए हमको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इनको साथ में लेकर के हमको चलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अब हम आगे किस तरह से बढ़ा सकते, विचार करना चाहिए, क्योंकि हर एक में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। हमको अपनी बुराइयों को साफ करना चाहिए, अलग करना चाहिए, अच्छाइयों को पकड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा सुंदर विकास होता है जब शास्त्रों को आप देखें, तो जैसे अब आजकल मुखड़ा जिसको कहते हैं, भरत के जमाने में इसको उपोहन और प्रत्युपोहन कहते थे। अब उस जमाने में क्या होता था कि उपोहन एक हिस्सा जैसे आजकल तुम नुम हम लोग कर देते हैं तो उसको ताल में नहीं होता है और वो गाने का कोई अंश नहीं होता है, लेकिन उसमें जो उपोहन होता था वो ताल में होता था और गाने का अंश होता था, लेकिन शुष्क अक्षर भरत ने कहा है उसमें कोई अर्थ नहीं होता था। झंडुम दिगलम तुम देता, अब कोई अर्थ नहीं, जैसे आजकल का तो हम तनन करते हैं, ये उपोहन होता था। और प्रत्युपोहन होता था, जिस ताल में उपोहन होता था उसी ताल में प्रत्युपोहन होता था, और प्रत्युपोहन में ताल तो वही रहता था लेकिन वो सार्थ होता था, उसमें अर्थ रहता था। ये एक टुकड़ा होता था बंदिश का। बाद में क्या हुआ, प्रतिग्रहणिका, जिसका कि आजकल मुखड़ा आ गया है, प्रतिग्रहणिका उसको कहते हैं। ये प्रतिग्रहण का मैंने 8वीं शती से देखा कि प्रतिग्रहण का हमारे संगीत में आ गई, जिसको आजकल हम मुखड़ा कहते हैं। अरब म्यूजिक में भी वो दिखलाई देता है प्रतिग्रहण का, कि एक टुकड़ा ओपनिंग पीस जो है उस टुकड़े को पकड़ा और उसके बाद कहते थे स्थाय भंजनी। स्थाय भंजनी, स्थाय शब्द के माने हैं मेलोटिक फ्रेज, मेलोटिक क्लॉज, मेलोटिक सेंटेंस। एक कितने स्वरों का गुच्छा, कितने स्वरों का गुच्छा जो है उस राग का वाचक होगा। माने आजकल जो हम आलाप करते हैं इस बात को हमको देखना चाहिए, बहुत से लोग ऐसा आलाप करते हैं कि वो स्वर का आलाप होता है, राग का आलाप नहीं होता, क्षमा कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं सानी, अब सानी या निशा, सानी निशा इतने तो होगा दो स्वरों में, पर सानी निशा तो खमाद में भी हो सकता है, बिलावल में भी हो सकता है, यमन में भी हो सकता है। सानी निशा ये स्वर का आलाप है, ये कोई राग का आलाप नहीं है, ये राग का आलाप नहीं है। एक बड़े उस्ताद ने मुझे सुनाया, नेशनल जो हमारा म्यूजिक होता था ऑल इंडिया रेडियो में, तो मैं करता था अपने जमाने में कि एक दिन पहले बुलाता था और उनसे डिस्कस कर लेता था कि कौन सा राग आप गाएंगे, और बुला करके अनाउंसर को मैं लिखवा देता था। जब उनका मैंने मियां का मलार उनको दिया था और दूसरे दिन वो मेरे दफ्तर में आए, उन्होंने कहा आपको कैसा लगा। मैंने कहा आप उस्ताद हैं, मैं आपकी जुबान से कैसे कहूँ कैसा लगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं, मुद्दे की बात न कीजिए, बतलाइए कैसा लगा। मैंने कहा अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप स्वर गाते हैं या राग गाते हैं? जो स्वर गाएगा वो राग नहीं गाएगा। मैंने कहा ना, सानी सानी जो आप करते हैं ये स्वर गाते हैं। मान लीजिए मन है अगर मैं राग की छाया खड़ी हो गई, मालूम हो जाता है कि ये मन का आलाप हो रहा है। अगर हम सा नी 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 सा, अभी तो भगवान जाने क्या है, स्वर है तो किसी भी राग की छाया नहीं है, समझा आपने।
तो इन सब बातों को मैंने स्थितिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना चाहिए हर एक चीजों को। तो अगर हम इन सबको नहीं देखेंगे तो इस विचार गोष्ठी से क्या फायदा है? वादे वादे जायते प्रतिबोधा, मैंने बात बात पे एक बात आपकी सुनी एक बात उनकी सुनी तो एक नई शक्ल सामने आती है, इसका यही फायदा है। इतने लोगों की जो हम गोष्ठी करते हैं उसका आखिरकार ये फायदा है, कोई आदमी पूर्ण नहीं है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, अपना अपना हिस्सा सब लेके आते हैं। जैसे पिकनिक में कभी कभी हम लोग करते हैं, भाई अपने घर से आप ये पका के लाइएगा, अपने घर से ये पका के लाइएगा, अपने घर से ये पका के लाइएगा, और इकट्ठा मिल करके सब लोग खाते हैं। वैसे ही इन संगीत गोष्ठियों का लाभ है। मैं अपना अपना हार्दिक साधुवाद इस संस्था को देता हूँ कि इन्होंने ये गोष्ठी प्रारंभ की है, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की आप गोष्ठियाँ करें ताकि विचार विनिमय हो, आपस में सोच विचार करें और अपने संगीत का उद्धार करें। मैंने पहले ही दिन कहा था कि भारतीय कला की सबसे उत्तम चीज़ जो आज तक संसार में बाकी है वह है भारतीय संगीत कला। जागर साहब के साथ मैं टोक्यो जब गया था तो उन दिनों आपको आश्चर्य होगा कि ईस्ट वेस्ट म्यूजिक मीट था वह, और फिलीपाइन से, इंडो चाइना से, चाइना और रशिया को छोड़ करके दुनिया के सभी संगीत, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज दो नहीं आए थे क्योंकि अमेरिका से स्पॉन्सर्ड हुआ था तो वहाँ भी उन्होंने उसका बहिष्कार किया, सब लोग आए थे और सबका जो हमने संगीत दिया सुना सब एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक वॉज एंटायरली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न। मैंने जापानी म्यूजिक कैसा होता है इसको सुनने के लिए 60 मील टोक्यो से मुझे, मैंने कहा सुनवाओ भाई तुम्हारा म्यूजिक क्या है, ये सब तो वेस्टर्न म्यूजिक है, तुम जापानीज वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा म्यूजिक क्या है? तो 60 मील हमको वो ले गए, तब एक गांव में जाकर के हमने सुनवाया कि जापानी म्यूजिक है। ऐसी तरह से ईरानियन म्यूजिक का जो उनका ऑर्केस्ट्रा बना है वो बिल्कुल एंटायरली इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न म्यूजिक, और मुझसे वो सवाल करते थे कि ये कारण क्या है, हाउ इज इट दैट इंडियन म्यूजिक हैज एस्केप्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। हमने कहा बिकॉज ऑफ इट्स ओन रिचनेस, इनहेरेंट रिचनेस एंड वाइटैलिटी। तो जो इतनी बड़ी धरोहर, मैंने कोई लगभग 4000 वर्ष से जो इतनी बड़ी धरोहर हमारे हाथ में हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग दे गए हैं, हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उनको संभाल के रखें, उनको पालें, उनको पोसें और उनको आगे बढ़ाएं। ये हमारे ही देश में ऐसा है ये बात नहीं, वेस्ट में भी जिसको पॉप म्यूजिक कहते हैं, पॉप शॉर्ट फॉर्म है पॉपुलर का, बहुत परेशान है वो लोग कि क्लासिकल म्यूजिक की क्या स्थिति होगी इस पॉप म्यूजिक के सामने, या जैज म्यूजिक जिसको कहते हैं, जैज म्यूजिक जो है इसने इतना अग्रसर हो गया है कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो परेशान हैं कि दबा देगा क्या हमारे क्लासिकल म्यूजिक को। हमारे यहाँ जो संग राग की परिभाषा की थी, जरा उसमें देखिए क्या है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। यह मतंग ने सबसे पहले परिभाषा की। मतंग का इतिहास में पांचवी शती का लोग मानते हैं, पांचवी शती में मतंग हुए थे, बृहद देशी में ये उन्होंने परिभाषा की है। परिभाषा होती कैसे है, परिभाषा में एक जीनस होता है और दूसरा डिफरेंशिया होता है। जैसे मनुष्य की परिभाषा यदि हम करें तो लोग कहते हैं मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, प्राणी जो है वो जीनस है, एक लार्जर क्लास। क्यों? क्योंकि गाय भी प्राणी है, बंदर भी प्राणी है, हाथी भी प्राणी है, चींटी भी प्राणी है, लेकिन और मनुष्य भी प्राणी है। प्राणी माने वो जो प्राण जिसमें हो, जो ब्रीथ करता हो, लेकिन और सब प्राणियों से अलग मैन क्या है, वो चिंतनशील है, और प्राणियों में चिंतनशीलता नहीं, वो डिफरेंशिया कहलाता है और ये जीनस कहलाता है।
माने जीनस पर एट डिफरेंशिया, ये हमारे यहाँ पर परिभाषा है। हमारी भाषा में उसको व्यावर्तक गुण कहते हैं, जो अलग कर देता है, और उसको सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य पहले कहते हैं फिर व्यावर्तक कहते हैं। सामान्य में क्या है, योयम ध्वनि विशेषस, साधारण ध्वनि राग में है, ध्वनि विशेषस एक विशेष ध्वनि। क्या विशेष ध्वनि, कि साधारण ध्वनि में बीट्स होते हैं, उसमें सुरीलापन नहीं होता है। साधारण जो हम बोलते हैं उसमें बीट्स होते हैं, सुरीलापन नहीं होता है, और जो वाइब्रेशन होता है उसका नियत नहीं होता है, अनियत होता है। लेकिन स्वर जहाँ होता है वहाँ नियत वाइब्रेशन होने जाता है, वाइब्रेशन आंदोलन कंपन जो होता है उसका वो नियत होता है, और उसमें बीट्स नहीं होते। तो इसलिए कहा योयम ध्वनि विशेषस्त, वो ध्वनि नहीं है, ध्वनि विशेष है। स्वर और वर्ण विभूषित, अभी इतना पूरा नहीं हुआ जीनस, स्वर होना चाहिए उसमें वर्ण होना चाहिए। वर्ण जो है वो पारिभाषिक शब्द है, माने क्या, वर्ण जो है संगीत की एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड है। स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी, जो स्वर का इतने प्रकार का मूवमेंट हो, प्रगति हो, हरकत हो, उसको कहते हैं वर्ण। आप देखें कि स्वर को इतने ही प्रकार से आप लगा सकते हैं, या तो स्थाई लगा सकते हैं, माने स स स स स स रे 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 बार बार रिपीट कीजिए, या आरोह कीजिए सरेगमा पधनी सा, या अवरोह कीजिए सनिधि पमा करे सा, या दोनों का मिश्रण कीजिए संचार कीजिए। इतने ही चार प्रकार से स्वर हो सकते हैं, और तो कोई स्वर का खेल है नहीं। तो इतना तो इसका जीनस हुआ, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित। रंजको जन चत्ता नाम, और जन के मानस को रंजन करे वो राग है। ये मतंग ने डिफिनेशन दी। आगे चल करके लोगों ने कहा कि जन चित्ता नाम का क्या मतलब, नाथु गुरु कलवारु उनके चित्त को जो प्रसन्न करे वो राग होगा। अगर वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएं, फैसला करने वाले हो जाएं, तब तो राग खत्म है। तब क्या किया उन्होंने, बदला भाषा को, योजन योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको सचित्ता नाम। यहाँ आगे चल करके डेफिनेशन उन्होंने बदलना पड़ा उनको, रंजको सचित्ता नाम सर आगाह करते, डिसर्निंग लिसनर्स के लिए जो रंजक हो। कान तो सबको है पर कान नहीं सुनता है, सुनता है मन। मनुष्य जब मर जाता है तो क्या होता है, ये कान और आंख जो हैं उसके माध्यम हैं फिजिकल वर्ल्ड के लिए, मन सुनता है। और जिसका मन और हृदय, उसको संवेदनशीलता कहा है अभिनव गुप्त ने, जिसका उसके हृदय में संवेदनशीलता नहीं है वो क्या सुनेगा, वो धुन सुनेगा, राग नहीं सुन सकता है। आदमी जब मर जाता है तो क्या होता है, कोई आंख उसकी थोड़े निकल जाती है, कान उसका थोड़े कहीं चला जाता है, कान है परंतु जो सुनने वाला है वो उसमें नहीं, आंख है परंतु जो देखने वाला उसके भीतर है वो उसमें नहीं। आपने तो कहने का मतलब यह है कि यदि ये आप चाहें कि कोई भी हो, चाहे ख्याल हो, चाहे ठुमरी हो, चाहे कोई भी विधा हो, कि जनमानस के लिए हो किसी है, हमारे ये समझ में नहीं आता। ये सब की शिकायत है, और खास करके पॉलिटिकल लीडर जब आते हैं तो उनके दिमाग में वही डेमोक्रेसी जनमानस ही रहती है कि इसमें ब्रॉट डाउन टू दी मासेस। अरे भाई, इसने संगीत ने क्या कसूर किया जो सब उसको घसीट करके आप मासेस के ऊपर लाना चाहते हैं। कविता में जो नहीं कोई कहता कि गालिब की कविता ऐसी होनी चाहिए जो मामूली गुरु को समझ जाए, शेक्सपियर की कविता जो है एक बच्चा समझ जाए, ये तो नहीं हो सकता है। तो क्लासिकल जो आर्ट है वो
अपनी जगह पर है, और साधारण जो है फोक म्यूजिक है वो अपनी जगह पर है। साधारण व्यक्ति तो गले की मिठास समझता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। कार्लाइल ने एक जगह कहा है, द ईयर हियरेथ व्हाट इट ब्रिंग्स द पावर टू हियर, द ईयर हियरेथ, द ईयर हियरेथ माने हियर्स, द ईयर हियरेथ व्हाट इट ब्रिंग्स द पावर टू हियर, आई सी द आई सीएथ व्हाट इट ब्रिंग्स द पावर टू सी। तो सच बात तो यह है, कान तो सुनता नहीं है, सुनता तो मन है, मन माने हृदय, उसका जो है आर्ट में उसको हृदय कहते हैं। तो हृदय में जिसके संवेदनशीलता नहीं है, मैं तो कहा करता हूँ कि जैसे पेंटिंग में लोग कहा करते हैं कि सम आर बॉर्न कलर ब्लाइंड, वैसे ही म्यूजिक में सम आर बॉर्न टोन डेफ। तो यदि आप ये चाहें कि हम मासेज में ठुमरी को ला करके और सबको चाहे ख्याल को ला करके करते हैं, तो मासेज भी हमारी बड़ी होती। रविशंकर जी से मैंने यही एक दफे शिकायत की थी, मैंने कहा आलाप आप सुंदर करते हैं पर परंतु कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर जाते हैं तो आप स्पीड के पीछे पड़े रहते हैं, और हमारे संगीत का प्राण जो है वो आलाप में है। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि ठाकुर साहब यू फॉरगेट दैट ए म्यूजिशियन आल्सो हैज टू लिव, वो क्या करे, लोगों को खुश करने के लिए वही करता है जो लोग चाहते हैं, आलाप हम करने बैठे तो लोग ताली बजा के हमको भगा देंगे। उस्ताद फैयाज खां को एक दफे उन्नाव से आमंत्रण आया तो मुझसे उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब मैं कानपुर में था उन दिनों कि उन्नाव एक छोटी सी जगह है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने कहा चलूँगा, जरूर चलूँगा। गया, वो बेचारे जयजमंती का आलाप जो लेके बैठे, दो ही तीन मिनट के बाद तालियां पीट पीट के लोगों ने भगाना उनको शुरू कर दिया, बस यूँ ही उन्होंने बंद कर दिया। उनका हम समझ गए और कव्वाली शुरू कर दी, और मुकर्रर इरशाद वाह 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 वाह, दो घंटे तक कव्वाली चली। तो अगर हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, अच्छा हाँ वो मैं भूल गया कहने को, मैंने उनके जवाब में कहा कि आर्टिस्ट का फंक्शन केवल एंटरटेनमेंट देना नहीं है, मासेस के लेवल को भी अपने लेवल तक लाना है। संस्कृत का जो हृदय शब्द है उसका क्या मतलब है, हृदय न सह वर्तते इति सह हृदय, ये मतलब नहीं है जिसको हृदय है वो सह हृदय, अरे हृदय तो सबको है। समानम हृदय यस्य सह हृदय, जो आर्टिस्ट के लेवल पर जिसका हृदय उठ सकता हो वो सह हृदय है, हृदय तो सबको, फिजिकल हार्ट तो सबको है। हृदय न सह वर्तते ये मतलब नहीं सह हृदय का, संवेदनशीलता। अच्छा तो मैंने उनसे यही कहा था कि ठीक है शुरू शुरू में यह होगा, लेकिन जब आप आलाप की आदत सुनने के लोगों को लगा देंगे, आर्टिस्ट का एक फंक्शन ये भी है कि जो मासेस हैं जो सुनने वाले हैं, बिल्कुल मासेस तो नहीं, जो सुनने वाले हैं शौकीन हैं, उनके लेवल को भी अपने लेवल तक लाने का एक फंक्शन होता है। अब रह गया है कि ठुमरी का क्या भविष्य होगा, आप तो आप ही देख रहे हैं कि ठुमरी में नृत्य भाव स्वर अभिनय इतना ठुमरी में पहले था, अब अभिनय जो है अब भी है वाचिक अभिनय है, आंगिक अभिनय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सिवाय बिरजू महाराज के, मैंने तो किसी को आजकल आंगिक अभिनय करते हुए ठुमरी के साथ नहीं देखा। मेरा ये ख्याल है जो भविष्य की बात आप कह रहे हैं कि आंगिक अभिनय शायद चला जाएगा ठुमरी, क्यों, क्योंकि जो बाई लोगों को जिनके हाथ में ठुमरी का गान मुख्य रूप से था उन्हीं लोगों में चला गया। मैंने रसूलन बाई को, सिद्धेश्वरी बाई को, उस वक्त तो बाई कहलाती थी देवी नहीं कहलाती थी, तो इन लोगों को पेशवा पहन करके और ठुमरी
नृत्य के साथ, अभिनय के साथ, एक्टिंग के साथ, मैं आंगिक अभिनय के साथ कई दफे सुना है अपने जमाने में। तो मेरा ये ख्याल है, जो आपने भविष्य का प्रश्न उठाया, तो मेरा ये ख्याल है परिवर्तन तो होता ही रहता है संगीत में ही, तो मेरा ये ख्याल है कि आंगिक अभिनय शायद चला जाए ठुमरी से, लेकिन वाचिक अभिनय अगर गया तो ठुमरी ठुमरी ही नहीं रह जाएगी, फिर तो ठुमरी रही नहीं जाएगी, वही तो प्राण है उसका। और सात्विक अभिनय तो बहुत कठिन है, वो तो बहुत कम लोगों से होता है, लेकिन वाचिक अभिनय जो है वो प्राण है ठुमरी का। और मेरे ख्याल में जब तक वाचिक अभिनय के ऊपर दृष्टि रहेगी गायक या वादक की, तब तक ठुमरी नहीं जाती, वो अमर रहे, जहां तक मेरी समझ में ये बात आई। अब रह गया जिनका प्रश्न, पंजाबी अंग का। मेरे ख्याल से ज्ञान बाबू का जो प्रश्न था उसका एक ये भी पहलू है कि क्या वास्तव में ठुमरी का गायन आजकल पुराने गायन के हिसाब से और नज़र से कुछ डाइल्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ हल्का हुआ है, जैसा कि हम बल्कि ख्याल और ध्रुपद की गायकी में भी महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से उत्तर तो इसका साफ ही होगा, जो प्रॉब्लम हमारी शास्त्रीय संगीत के लिए एक पूरे दायरे के लिए है वो ठुमरी में भी अप्लाई करती है, वही प्रॉब्लम है और डाइल्यूशन ज़रूर है। लेकिन इस संबंध में मैं जो प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा और गुणीजनों से पूछना चाहूँगा वो ये है कि क्या पुराने ज़माने के ठुमरी गायक, ठुमरी विद्वान, ठुमरी कलाकार ख्याल, ध्रुपद, टप्पों की तालीम लिया करते थे या नहीं लिया करते थे, या ये ज़रूरी है ठुमरी गायक के लिए कि उसको ख्याल की और ध्रुपद टप्पे की गायकी का भी इल्म होना चाहिए, या जैसे आजकल ठुमरी की शिक्षा एक चल चली है कि भाई सिर्फ ठुमरी दो चार दस बता दी और एक गाने का एक चलन सा बता दिया और उसमें ठुमरी का एक कला एक अपने ही एक दौर से बन गई और उसी का प्रदर्शन होने लगा। मैं समझ गया आपके प्रश्न को। देखिए देखिए अब ये इसका उत्तर हो जाने दीजिए तब आप प्रश्न कीजिएगा। असल बात यह है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं संगीत के, वो तो हर एक को सीखना होगा। जो ठुमरी में डाइल्यूशन हो रहा है वो उसका कारण यह है कि लोग समझते हैं कि ठुमरी सुन के उड़ा ले जाओ, ठुमरी सीखने की ज़रूरत नहीं। ठुमरी के भी नियम हैं, ठुमरी भी सीखने की ज़रूरत है। लोग सुन सुन के उड़ाते हैं तो उसमें डाइल्यूशन होने लग जाता है, उसको रास होने लग जाता है। तो संगीत में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मैंने चार पाँच साल के लिए, वो तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो ध्रुपद सीखना चाहता हो, चाहे टप्पा सीखना चाहता हो, चाहे अगर उस स्वर का लगाओ और आवाज़ का लगाओ और लय ताल यही नहीं उसको मालूम है तो वो क्या सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, माने क्या कि हर एक ध्रुपद हर एक नहीं गा सकता, ख्याल हर एक नहीं गा सकता, ठुमरी हर एक नहीं गा सकता, क्यों टप्पा हर एक नहीं गा सकता, क्यों नहीं गा सकता, क्योंकि हर एक में गले की प्रकृति की आवश्यकता होती है। फिर टीचर को ये देखना चाहिए कि इसके इसके कंठ की क्या प्रकृति है, ये जिसमें टंग कंठ और मिजाज, ठुमरी में तो मिजाज की, जिसका रोमांटिक मिजाज नहीं है वो 100 जन्म में ठुमरी नहीं गा पाएगा, चाहे लाख आप उसको सीख लाइए। तो इसका
मिजाज देखना और कंठ देखना, इसके कंठ में वो लचाव लोच है या नहीं है, व्रत है इसके कंठ में या नहीं है, इसका कंठ सुंदरी के लायक है या नहीं है। टप्पे की तो वो दुर्गत है जिसका कोई ठिकाना नहीं, टप्पा तो मैं समझता हूँ कि अब शायद भारत से चला ही जाएगा पंजाब में, मैं अंत में उसके विषय में कुछ कहूँगा, अभी तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये देखना चाहिए कि इसका गला टप्पे के लायक है या ठुमरी के लायक है या ख्याल के लायक है, तब उसको स्पेशलाइजेशन वहाँ शुरू होना चाहिए। मैंने क्या एक यूनिफॉर्म पहले तो सबको सिखाना होगा, स्वर लय पैरा सब सीखना चाहिए, 5-6 वर्ष उसमें लग जाएंगे इसमें कोई शक नहीं, फिर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि ये ठुमरी के लायक है इसको ठुमरी के स्पेशलाइजेशन करो, विशेषता स्पेशलाइजेशन इसकी ठुमरी में होनी चाहिए, इसका ख्याल होना चाहिए इसका, कोई कोई दोनों कर सकते हैं। और कोई जैसे उस्ताद फैयाज साहब जब ठुमरी गाने बैठते थे तो ऐसा रंग जमाते नहीं, और उन्नाव में मैंने देखा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कव्वाली भी गा सकते हैं, उन्नाव में तो उन्होंने कव्वाली में और रंग जमाया जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो 2-3 रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो एक ही तरफ गला जाता है या 2 तरफ ज़्यादा जाता है, तो बाद में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अब आपका प्रश्न क्या है? मैं ठुमरी के विषय में कुछ जानता नहीं विशेष, लेकिन मुझे ये जानने की इच्छा है कि ठुमरी को अगर बचाना होगा तो लाइन ऑफ डिमार्केशन ठुमरी और ख्याल, ठुमरी और दादा के बीच में कहाँ होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने कहीं पढ़ा था ठुमकत रिझावत, इस शब्द से ठुमकत से ठुम आया और रिझावत से री आया, दोनों मिलकर ठुमरी हुआ, यह कहाँ तक सच है? तीसरी बात यह है जो लोग हेवी टाइप ऑफ क्लासिकल में भारी गाने गाते हैं जैसे ध्रुवत, तो उनको क्या गला नहीं, रामचरित मल्लिक हैं जो कि ध्रुपद गाते हैं, बहुत अच्छे ठुमरे भी आते हैं, तो यह क्या नियम है जो जिसका गला भारी होगा जो दूसरे तरह के गाने गाएंगे वो ठुमरे नहीं गा सकते? तीसरी बात यह है रोमांटिसिज्म, मन में रोमांटिसिज्म हो तो ठुमरी गा सकते हैं। तो ये रोमांटिसिज्म अगर होगा, अनुभव होगा, तो और गाने में ध्रुपद में भी रोमांटिसिज्म आता है, ध्रुपद जो आलाप करते हैं आलाप में रोमांटिसिज्म अगर ना होगा, अगर कंठ नाटक नहीं होगा, वॉयस नाटक नहीं होगा, तो वो आलाप नहीं बन सकता है, वो स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो इस विषय में कुछ जानना चाहता हूं। बात यह है कि हमारे यहाँ आलाप जो है उसके 3 डिवीजन किए हैं, आलाप, आलप्ति, आलपनम। संस्कृत में आलाप जो है मैस्कुलिन जेंडर, जो द्रुपदिया है वह आलाप करता है, उसमें मैस्कुलिनिटी रहती है, सिरिनिटी रहती है, मजेस्टी रहती है, उदात्त भावना रहता है, इसका ध्यान उदात्त भावना के तरफ है। रोमांटिसिज्म जो है उसका आलप्ति, आलप्ति फैमिली जेंडर है संस्कृत में, सुकुमारता उसके आलाप में, ख्याल और ठुमरी दोनों में आलाप में सुकुमारता होती है, और उसमें वह सुकुमारता, वह फेमिनिन ब्यूटी प्रधानता का प्रश्न है। वैसे तो सब में सब कुछ होता है, लेकिन प्रधान जो है, माने अगर हम एग्जाम्पल दें पोएट्री से, तो जैसे एपिक पोएट्री है,
रामायण और महाभारत ये एपिक पोएट्री, उनके यहाँ भी पैराडाइज लॉस्ट अंग्रेजी में एपिक पोएट्री। एपिक पोएट्री में क्या होता है? क्या पोएट्री नहीं है वो? उसमें लय नहीं है क्या? छंद नहीं है क्या? सब रहेंगे ही, प्रधानता होता है। प्रधानता उसमें क्या होती है? सीरेनिटी, मैजेस्टी, ग्रैंडियर, ये एपिक पोएट्री का प्रधान। लिरिक पोएट्री जो है उसमें सीरेनिटी वंदना नहीं है, उसमें तो रोमांटिसिज्म है। तो जैसे लिरिक पोएट्री और एपिक पोएट्री सर्टन कॉमन फीचर्स तो दोनों में मौजूद होंगे, नहीं तो उसके बिना तो वो पोएट्री नहीं होगी। कुछ साधारण तत्व जो हैं वो तो सब में रहेगा, चाहे वो ध्रुपद हो, चाहे वो ख्याल हो, चाहे वो ठुमरी हो, जो साधारण तत्व हो तो सब में विज्ञान में बिना उसके तो संगीत ही नहीं हुआ। किंतु प्रधानता की विशेषता है ना, ये नहीं कि उनके आलाप में सूक्ष्मता होती ही नहीं, लेकिन वो सूक्ष्मता दूसरे ढंग की होती है और यह सूक्ष्मता दूसरे ढंग की होती है। मैंने आवाज के लगाव में, स्वर के लगाव में भेद हो जाता है। मैं बड़ौदा एक दफे गया था तो उस्ताद फैयाज खान से मिलने गया, वो बैठे बैठे स्वर में कोई बोल नहीं थे, स्वर में जौनपुरी का आलाप कर रहे थे। मैं आ गया तो उनका आइए ठाकुर साहब अच्छा है देखिए मैं धैवत किस पर से लगाता हूँ। सारे मा पनी ध प ध म प ग रे रे म प रे रे तो लगाया, देखिए इसमें क्या दर्द था। रे रे म प सारे मा प म प ग, अब ये धैवत देखिए सारे मा प ध म प, प्रमाण में उसके फर्क कर दिया, वजन में उसके फर्क कर दिया। सारे मा प ध म प ग ये कृति उतार दिया, समझा आपने? ये खेल वो सुरों के साथ कर रहे थे। तो बात यह है कि स्वर का लगाव हर एक में अलग अलग है। एक एग्जाम्पल दू मैं थोड़ा सा, शहाने की एक चीज है जो कि भातखंडे ने भी अपनी पुस्तक में दी है। अब जैसे उन्होंने न्यूट्रिशन में दिया है वैसे मैं गा के सुनाता हूँ। अब गुण भरो सकल नाथ मेरो अपनो समझ माफ कीजे घने मैंने भास पंडित जी को सुनाया। मैंने कहा पंडित जी ठीक तो है, ठीक है? उनका ठीक तो है। मैंने कहा पंडित जी आप इसको कैसे गाते हैं? उन्होंने जो गाया तो मैं दंग रह गया। सारे स्वर वही, लेकिन स्वर का लगाव सर बिल्कुल बदल गया। अब गुण यहां था, अब गुण सानी, अब वहां वो सा को कैसे लगाया? अब धूम भरियो, ये भरियो आ गया। सकल ये हूं लगाया। स्वर का लगाव, आवाज का लगाव, जिसको कहते हैं उच्चार भेद, यही तो मेरा रोना है कि हमारे संगीत का प्राण जब तक उच्चार भेद ना हम समझें तब तक स्वर तो वही है सब में है। क्या ध्रुपद कोई दूसरा स्वर, उसका शब्द कोई दूसरा होता है? ख्यालिये का शब्द कोई दूसरा होता है? स्वर तो वही है, पर उस स्वर का लगाव कैसा होगा? ये बात नहीं है कि ख्यालिया जो है वो बोल आलाप में भाव को नहीं देखता है। लोगों का यह ख्याल है सिर्फ ठुमरी वाले भाव को देखते हैं, ख्यालिया भाव को नहीं देखता। ख्यालिया भी भाव को देखता है। ठुमरी जरा आप मेरे पास यहाँ आ जाए कोई साहब तो मैं बताऊं कैसे देखता है वो। कोई साहब आ जाए, जरा यहाँ आ जाइए, आप ही आ जाइए, आप ही आ जाइए।
लिखा था आप बाजे जरूर जो वो बोल आलाप में सालिया जो है बोल आलाप में जो भाव पैदा करता है वो स्वर के दायरे से बाहर स्वर की जो खूबसूरती है जैसा स्वर का लगाव काल में किया जाता है उससे बाहर नहीं जाता है लेकिन वो भाव वो भी करता है। देखिए एक देसी की एक चीज है कहा अब मानो पिया जिया की बात एक मुखड़ा उसका है कहा अब मानो मैंने कहा अब मानो कहा ये कहा हुआ कहा हल्की चोट धैवत की पंजम में जाकर कहा अब मानो कहा अब मानो खालिया नहीं करता खालिया भी करता लेकिन वो स्वर के सौंदर्य से करता है स्वर के सौंदर्य से कहीं बाहर नहीं जाने पाता वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको कहते हैं उच्चार भेद मैं क्या कहूँ अभिनव गुप्त हमारे देश में ऐसा हो गया हम लोगों का दुर्भाग्य कि वो संस्कृत में लिख के गया नहीं तो अगर वो शायद हिंदी में लिखता तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं उसको। उसने कहा है कि न तो स्वर राग स्वर सन्निवेश राग स्वर राग नहीं होता है स्वर से राग नहीं बनता। अरे भाई स्वर तो भोगेंगे तो ना स्वर के किसे राग बना बनेगा वो कहता है स्वर सन्निवेश। अब सन्निवेश शब्द जो संस्कृत का है उसमें प्लेसमेंट कैसे प्लेस करेंगे आप एक स्वर के बाद कौन सा स्वर रखेंगे प्लेसमेंट एक दूसरा उसका उच्चार कैसे करेंगे दो तीसरा पैटर्न उसका एक पैटर्न बनेगा तीन प्रतिकृति उसको संस्कृत में कहते हैं पैटर्न को। ठाकुर साहब ये जो आपने जो बताया देशी का उच्चार और स्वर और जो कुछ आप कह रहे हैं वो तो में था मगर इसके साथ एक एक्टिविटी था जो हमारे यहाँ हमको इसका अनुभव हुआ है ये जो आपने कहा है उसका एक्शन जो है उसकी क्रिया जो है उस क्रिया को कैसे आप व्याख्यान कैसे करेंगे भाषा में नहीं हो सकता नहीं हो सकता वही है भाषा के पास वो शक्ति नहीं है। हमें बुलाया यहाँ धक्का लगाया तब हम समझे इसीलिए आपको तो बुलाना पड़ा क्योंकि भाषा में वो शक्ति नहीं है ही नहीं। मैं आगे जब समाप्त करूंगा तब बताऊंगा भाषा में वो शक्ति नहीं है जो स्वर में शक्ति है भाषा के द्वारा तो वो हो ही नहीं सकता व्यक्ति ही नहीं हो सकता। हाँ अब आप जाइए तो ये बात नहीं है कि ध्रुपद में सूक्ष्मता नहीं है ये एक शब्द में हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। असल बात तो है एक आर्ट संगीत का आर्ट जो है इसको स्वर की सीमा में हम शब्द की सीमा में हम नहीं बांध सकते हैं मुश्किल है बांधना उसका सब में है लेकिन उच्चार भी उसके उच्चार में एक अजीब ग्रेविटी सीरियनिटी मैजेस्टी जो होती है द्रुपदीय के उच्चार में। अगर ठीक द्रुपदीय गाता है लड़ंत नहीं करता है केवल द्रुपद की हत्या जो है ताल की वेदी पर हो गई और काल की हत्या तान की वेदी पर हो रही है माफ कीजिएगा मैंने 2 सितंबर को अभी जो मैंने सुना नेशनल प्रोग्राम मैं अवाक रह गया कि हाय हाय भगवान अगर यही हमारा संगीत है तो हमको संगीत नहीं चाहिए।
एक भी तान स्वर में नहीं। ये क्या है, ये कोई कुत्ते लड़ रहे हैं या संगीत है? कहीं कहीं ताने ऐसे देते हैं जैसे मुर्गी हलाल की जा रही हो। क्या है ये संगीत है? मैंने तो डायरेक्टर जनरल को लिखा कि दिस इज अ डिसग्रेस टू ऑल इंडिया रेडियो। ज्ञान बाबू ये मानेंगे कि हम लोगों के समय में जब हम लोग थे, गोल्डन पीरियड था वो ये आईआर का, हम लोग जो थे तो जो बड़े बड़े उस्ताद थे वो उन्हीं को नेशनल प्रोग्राम मिलता था, दूसरे को नहीं मिलता था। मेरा रेडियो छोड़ने का कारण यही हो गया कि जब डॉक्टर केसकर चले गए और ये रेड्डी साहब आए तो उन्होंने एक एक स्क्रीन के हीरो को देना चाहा नेशनल प्रोग्राम, और मैंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं साहब, इनको नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये कोई म्यूजिक, जो सिनेमा की जो म्यूजिक चल रही है संडे मंडे वाली, ये कोई नेशनल म्यूजिक नहीं है। नेशनल म्यूजिक या तो फोक म्यूजिक है और या ख्याल ठुमरी दादरा ध्रुपद, ये नेशनल म्यूजिक है। खूब हमारी उनकी लड़ाई हुई और उसी के बाद हमारा दोनों मन मोटा हो। बहरहाल वो तो समय नहीं करना चाहता। तो मतलब ये है कि नेशनल प्रोग्राम जो है उसका स्तर इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है। अभी एक लड़की को उन्होंने दे दिया था, आधा प्रोग्राम दिया था 45 मिनट्स का, उसने टप्पा भी गाया और उसको अंतर ही नहीं याद था और स्थाई नकल थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, आजकल जो ये कि टप्पा सीखने की जरूरत ही नहीं, ठुमरी सीखने की जरूरत ही नहीं, सुना और नकल मारना शुरू कर दिया, तब तो ठुमरी और टप्पा नहीं सबका नाश हो जाएगा। अरे भाई ये चीज अमीर खुसरो ने अपने एजाज खुसरवी में लिखा है कि हिंदुस्तानी संगीत को सीखने के लिए 40 वर्ष चाहिए। ये अमीर खुसरो का कहना है। हम 4 वर्ष में चाहते हैं कि आज ही मुझसे बात हो रही थी उस्ताद निसार हुसैन साहब से कि मैंने क्या आपका वो जो भांजा था वो उसकी गायकी खत्म हो गई, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भाई ये का कभी खात्मा हो सकता है? जिंदगी खत्म हो जाती है साहब। मैंने संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, नादाब्धे परम पारम न जानाति सरस्वती, मज्जन भयात अद्याति तुम्बम वहति वक्षति। नाद समुद्र जो है इसका पार बेचारी सरस्वती जी नहीं जानती। उसके हाथ में जो तुम्बा है वो किस लिए है? इसीलिए है कि उसको डर है कि कहीं मैं भी न डूब जाऊं। इसी के ऊपर एक ध्रुपद भी है, नाद सागर है अपार किन्हू न पायो पार, डूबन के भय हेतु सरस्वती अजहू करत तुम्ब को अधार, नाद सागर है। हवा है, इसलिए आज तक जितनी पुस्तकें लिखी गई पुस्तक से कोई संगीत नहीं सीख सकता है, मेरा यह विश्वास है। जब सीना बसीना तालीम जब तक नहीं होगा कि क्यों क्यों नहीं सीख सकता है? क्यों? क्योंकि स्वरों का कोई ना रूप है, कोई स्वर का तो रूप दिखला नहीं सकते, ना रंग है। पेंटिंग में तो आप रूप बना सकते हैं, रंग बना सकते हैं, लिख करके आप कैसे स्वर समझाइएगा? असंभव गैर मुमकिन है। तो यह बात नहीं, प्रधानता की बात होती है। है तो कोई बंटवारा नहीं है कि जहां रोमांस होगा वहां क्लासिसिज्म नहीं होगा, जहां क्लासिसिज्म होगा वहां रोमांस होगा नहीं, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, प्रधानता की बात होती है जी।
अब आपका प्रश्न है। अगर और कोई प्रश्न हो हाँ तो पूछ लें, फिर इसको बाद में क्योंकि इसको बाद ही में लूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है, आजकल ये बहुत चल रहा है और मुनव्वर अली से हमारे किचलू साहब ने भी ये प्रश्न किया था, मेरी समझ से ठीक उत्तर उनको नहीं मिला। हाँ ये बाद ही में किया जाए बाबा, मेरे ख्याल से और भी प्रश्न कुछ पूछना हो। सबसे आखिर में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कि एक डिसीजन पर निकला जाए इसके लिए। जहाँ नृत्य होगी वहाँ ठुमक से तो आदमी रिझावेगा ही। दो शब्द से अलग शब्द से बन गया थोड़ी ये सब बातें, बात मैं अपने समझ में आपके सब लूंगा मैं। और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं इसको लूंगा। अब मैं एक दफा आप फिर दोहरा दे जरा। पूरा बंग की ठुमरी और मानी जो जाती है और लोग कहते हैं पंजाब अंग की, दो गायकी है इसके ऊपर। उस रोज सेमिनार में उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब अंग में कोई ठुमरी नहीं है, पूरब अंग से गई है। मेरे पिताजी ने और उनके चाचा या ताऊ जी थे उनके तरफ से वो चीज़ ये शामिल की गई पूरब अंग में। तो अगर केवल उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और मरहूम उस्ताद बरकत अली खान साहब से ही ये पंजाब अंग माना जाएगा तो ये क्या मानना उचित है कि अभी एक ही जनरेशन हम लोगों के ऊपर गए हैं, अभी आने वाले और भी जनरेशन तो आते ही रहेंगे, तो कहाँ तक उचित है कि इसको पूरा अंग की ही एक माना जाए या दो अंग माना जाए। बल्कि मैं जरा और इसी संबंध में, बल्कि मेरे ख्याल से भ्रम ये हो रहा था, जैसे काफी बातचीत हुई इस विषय पर, ये भी कहा गया कि ठुमरी में कोई घराने नहीं है, केवल अंग है। तो क्या ऐसा माना जाए कि ठुमरी की गायकी के एक बनारस अंग है और एक पंजाब अंग है, और फिर इसके साथ साथ लखनऊ, हाँ उसका प्रश्न मैं अब इसके साथ लाऊंगा। हालांकि पूरब अंग की बात हो रही थी तो लखनऊ अंग और बनारस अंग में भी कोई भेद है, या वो दोनों पूरब अंग के नाम से माने जाए या उनको एक तीसरा अंग बनाया जाए। लखनऊ और बनारस और गया, तीन जगह विशेषकर इसकी बातें आती हैं और इसके गायकी के ऊपर आती है। हाँ, और यूं वैसे साधारणतः आजकल जो हम लोग समझते हैं विद्यार्थी लोग, बल्कि आजकल एक किराने घराने की ठुमरी का एक अपना ही अंग है और वो भी ठुमरी किराने घराने की ही ठुमरी कह के गाई जाती है, तो पूरब पंजाब किराना इनको हम अंग माने। हाँ, बंगाल की भी ठुमरी है। तो इसके संबंध में ठाकुर साहब कुछ रोशनी डालें। जी मैंने कल मेरे पेपर में इस बारे में एक निवेदन करे थे, तो वो निवेदन ये थे कि ठुमरी पहले लखनऊ में जब पैदा हुआ था उस समय बंदेशी फॉर्म का ठुमरी था, उसको ही लखनऊ ठुमरी कहा जाता था, उसी को पश्चिम ठुमरी कहा जाता था। उसके बाद कलकत्ता में जब नजाव ठुमरी का उद्भव हुआ उसको पूरब अंग का ठुमरी कहा गया, तो पूरब अंग ठुमरी का उसको विलंबित फॉर्म का ठुमरी बना। पहले विलंबित फॉर्म का ठुमरी नहीं था, पहले बंदेशी फॉर्म छोटा ख्याल का तरह ठुमरी बनता था, लेकिन उसको ख्याल से फर्क करने के लिए दो एक चीज उन्होंने किया था।
एक तो शब्द हो एम्फेसिस ऑन वर्ड्स एंड मीनिंगफुल वर्ड्स एंड सिलेबल्स जो ख्याल में नहीं था, और एक है सर परिवर्तन एक राग के अंदर नहीं तो राग के बाहर। इसलिए छोटा ख्याल बना ख्याल के द्वारा वो ठुमरी बना ख्याल ओरिएंटेड। उसके बाद जो विलंबित ठुमरी बना उसी का पूरब ठुमरी कहा गया, वो पूरब अंग को गया बनारस कलकत्ता तीनों को मान लिया, लेकिन वही असली ठुमरी है क्योंकि बड़ा छोटा ख्याल से जैसे बड़ा ख्याल होता है इसे छोटा ठुमरी से बड़ा ठुमरी विलंबित ठुमरी का उद्भव पहले वैसी हुआ। और वही जो विलंबित ठुमरी जब बना वही असली में ख्याल का कंपटीटर हो चुका हो सका, तो वही असली ठुमरी तो वही कहा जाता है लेकिन विलंबित ठुमरी लेकिन अगर डिवीजन करना हो तो पहले समझना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ ठुमरी वाज इन लखनऊ, तो लखनऊ ठुमरी और पश्चिमी ठुमरी तो पहले उसको पैदा हुआ था, उसके बाद पूरब ठुमरी पैदा हुआ कलकत्ता में, और वो पूरब ठुमरी गया बनारस गया और कलकत्ता में चला। इसके बाद जो पंजाब ठुमरी जो है पंजाब अंग का ठुमरी, तो वो अंग का मैंने कल बताया ये भाषा इतना जरूरी नहीं है क्योंकि पंजाबी भाषा टप्पा में जैसा उसको आसान है उतना आसान नहीं है ठुमरी में, क्योंकि पंजाबी भाषा ठुमरी में गाना मुश्किल है, भाषा से ठुमरी गाना मुश्किल है, तो इसलिए तो वहाँ ब्रिज भाषा और पूर्वी डायलेक्ट वो भी वो ठुमरी में आ गया, वही भाषा में पंजाब उनका ठुमरी भी गाया जाता था, गाया गया गुलाम अली खान साहब और बरकत अली खान साहब वही भाषा में गाए, लेकिन उसके माने ये नहीं है जे भाषा दूसरी होने से वो पंजाब अंग नहीं हो सकता है, क्योंकि पंजाब अंग का जो स्पेशलिटी है उनको जो पंजाब अंग का तरकीब पंजाब तरकीब जैसे पंजाबी फोक और पंजाबी टप्पा का प्रभाव उसमें है उसीलिए उसको पंजाब अंग कहना चाहिए। तो इस हिस्से में देखा गया जो पंजाब अंग जो है वो एक छोटा सा कम्पैक्ट फॉर्म का होता है, बड़ा ताल से नहीं होता है, और उसको स्पेशलिटीज है वो पश्चिम अंग से उसको मिलता जुलता है, इसलिए मैंने ऐसा अर्ज किए थे कि उसको डिवीजन हो तो आगे। और फिर भी ये कहते हैं कि वाजिद अली शाह ने बनाया और किसी ने बनाया, अरे भाई लोक धुन तो वो धुन है जो कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, मानव कोई भी लोक धुन को आप कह सकते हैं फलाने ने बनाया, वो धरती की आवाज है लोक धुन जो है। तो असल में देखना यह है कि क्या किसी एक खास दिन जो मानव की यह थी कि अभिनयात्मक संगीत जो था मानव का कि नृत्य और अभिनय के साथ कोई चीज गाई जाए, ये जो है वो सनातन से है परंपरा से है, उसमें परिवर्तन होते रहे जरूर, तो परिवर्तन तो बात और है, लेकिन फलाने दिन एक दिन किसी को सूझा और उसने ठुमरी पैदा कर दी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रांतिपूर्ण है, समझा आपने। तो असल बात यह है, एक तो भ्रांति यह है, दूसरी भ्रांति जो ठुमरी के विषय में है वो यह है अंग वाला मामला जो आया, हम लोग अंग का अर्थ ही नहीं समझते, अंग की बातें करते हैं, अंग का मतलब क्या है, अंग का के दो मतलब है, एक तो अंग को आप समझ ही नहीं सकते हैं जब तक अंगी को न समझ लें आप, अंगी के साथ अंग लगा हुआ है, माने क्या अंगी माने क्या ऑर्गेनिज्म में जब हो, अंग माने ऑर्गन, जैसे हाथ ये अंग है शरीर ये अंगी है, ये बात सही है। अच्छा क्या मतलब है, अगर हाथ को काट करके सड़क पर फेंक दिया जाए
तो ये अंगी का अंग नहीं कहलाएगा, वो अंग नहीं है वहां। वो अंग तभी तक है जब तक अंगी के साथ है, तब तक अंग है वो। समझा आपने? कान को आप काट करके फेंक दीजिए कहीं, तो ये वो किसी अंगी का अंग है वो? एक मांस का लथड़ा है, अंग थोड़े है। समझा आपने? तो पहली बात तो ये है कि ये समझना है हमको कि अंग का मतलब क्या है। अंग का मतलब ये है, एक बात तो ये है कि उस अंगी के साथ होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि वो अंगी के साथ सारे अंग को हेल्प करने के लिए वो अंग वहां मौजूद है। शायद ये आपने कहानी सुनी हो कि एक दफे पेट में और मुंह में झगड़ा हुआ, तो मुंह ने कहा कि ये पेट कम वक्त है, मेहनत तो हमको करनी पड़ती है, शबाना हमको पड़ता है, पेट अपना भर करके आनंद से सोता है, मौज करता है, और हमको मेहनत सारी हमको करनी पड़ती है, तो आज से हम मेहनत करना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, देखें पेट को क्या करता। अच्छा, खाना बंद कर दिया, पेट बेचारे को तकलीफ तो हुई, लेकिन मोह साहब को भी तकलीफ होने लग गई। अब वो कमजोरी होने होने बोलना मुश्किल हो गया, मोह साहब को जीभ चलाना मुश्किल हो गया। समझा ने क्या मतलब है कि ये अंग वो है जो सब मिल करके एक साथ एक चीज पैदा करते, इस बात को समझ लेना होगा। तो दो बातें, तीन बातें हैं अंग के विषय में। पहली बात तो ये है कि अंगी के साथ जो है वो अंग है, कहीं बाहर फेंक दिया जाए तो वो अंग नहीं। दूसरी बात यह है कि उस सारा मिल करके एक बात जो जीवन को चलाते हैं तब वो अंग कहलाता है, नहीं तो अंग नहीं कहलाता। तीसरा अर्थ अंग का यह है स्टाइल का, इन द ठुमरी स्टाइल, इन द ठुमरी वेन, VEIN, ठुमरी वेन, ठुमरी स्टाइल, तीन अर्थ अंग के हैं। अब जैसे हमने कहा कि जो है चैती, ये चैती जो है ठुमरी अंग से गाई जाती है। क्या मतलब? आवो बलुमाते अब हो गरमा लग जाओ रामा। हम ये तो नहीं कहते ये ठुमरी है, हम ये कहते हैं चैती है, लेकिन ठुमरी अंग से गाते हैं। वो चैती नहीं रही, ये बात नहीं है। ठुमरी अंग का मतलब क्या है? है तो वो चैती ही, लेकिन ठुमरी अंग से। तो वहां अंग का मतलब है स्टाइल, वहां अंग का मतलब है वेन, ठुमरी स्टाइल से हम उसको अदा करते हैं। है वो चैती ही, जैसे मैंने अपनी उस दिन भी कहा था कि लोकधुन में वो और है, ये बनारस की विशेषता है कि ठुमरी का पुट लगा करके उसको एक दूसरा रूप दे दिया, ये बनारस की विशेषता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पंजाबी अंग से हम ठुमरी गाते हैं, ठुमरी उनको कहना पड़ता है, ठुमरी वही है। अंग पंजाबी का क्या है कि कुछ किसी को सूझा, और ये बात बराबर होती रही, आज पंजाबी है कल भगवान जाने क्या अंग आ जाए। समझा आपने? तो वो अंग जो है, जो फिर फोक ट्यून जो है, उस फोक ट्यून को इस ढंग से उसमें लगाया जाए कि वो मिल करके पैवस्त हो जाए, उसमें खुल जाए, खुल मिल जाए। दो तरह का होता है, एक तो होता है मैकेनिकल मिक्सचर, दूसरा होता है केमिकल कंपाउंड। मैकेनिकल मिक्सचर वो है जैसे पानी में शक्कर मिला दिया, तो आपने पिया तो है क्या वो, सिवाय पानी और शक्कर के और तो कुछ दूसरा है नहीं।
लेकिन H2O जो है वो तो मैकेनिकल मिक्सचर है. H2O है टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आपने मिलाया, एक नई चीज पैदा हो गई, वाटर पानी बन गया. और ना तो हाइड्रोजन में वो शक्ति थी जो पानी में है, ना ऑक्सीजन में वो शक्ति थी, लेकिन इस तरह से मिलाया गया कि एक नई चीज पैदा हो गई. तो वह घुल मिल गया, उसमें कंपाउंड बन गया, केमिकल कंपाउंड बन गया. अगर पंजाबी अंग ठुमरी को लेकर के केमिकल कंपाउंड से खूबसूरती से सजा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं सजा सकता, बेसुरापन का एक बहाना है, तो बिल्कुल चौपट है. आजकल जो पंजाबी अंग हो रहा है, हर एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इट इज नॉट गिवन टू एवरी मॉर्टल टू बेंड द बो ऑफ यूलिसिस. यूलिसिस के धनुष को हर एक आदमी नहीं बेंड कर सकता. अपने यहां भी मुहावरा है, जो शंकर के धनुष को सवाय राम के दूसरा कोई नहीं बेंड कर सकता. तो बरकत अली और जो है उन लोगों ने इस तरह से उसको पुट दिया है कि उसमें घुल मिल गया, तब तो अंग कहलाएगा. अगर घुल मिल नहीं गया है तो अंग नहीं है, वो अंग नहीं है. तो पिछले साहब प्रश्न करते थे, वो उसका उत्तर, जब तक अंग को हम न समझ लें हो ही नहीं सकता. वो उलझता चला गया मामला, वो है तो वो ठुमरी ही. किसी ने कहा नहीं, कोई पंजाबी ठुमरी नहीं कहते, वो कहते हैं ठुमरी पंजाबी अंग. अने कोई ऐसी दो एक धुने लोक धुने को उन्होंने लिया, जो पहाड़ी के लोक धुने थी, उसमें पैवस्त खूबसूरती के साथ लगा दिया, बिगड़ने न पावे. वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, वो अंग है. अंग वो है जो उसमें मिल गया है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो बिल्कुल बेकार है. आजकल जो मुसीबत हो रही है वो ये हो रही है कि वो बहाना हो गया है बेसुरापन का. जितने बेसुरे हैं वो कहते हैं साहब ये तो मैं भाई बेसुरा लगता है हमको. अरे साहब ये पंजाबी अंग का है. मैं जब रेडियो में था तो उन दिनों पहले लाइव ऑडिशन होता था. क्या कहूं मैं, कलकत्ते में एक दफे लाइव ऑडिशन हुआ था, मैं और रतन जनकर और एक तीसरे सज्जन थे नहीं कलकत्ते के, वीरेंद्र कृष्ण राय चौधरी, तीन हम लोग थे. एक पूना का भैया, उन दोनों लाइव ऑडिशन होता था, ये रिकॉर्डिंग से ऑडिशन नहीं होता था. वो दूसरे कमरे में बैठता था गायक और हम लोग दूसरे कमरे में, हम उसको सुन सकते थे, हमारी बातों को वो नहीं सुन सकता था. तो उसने अहिर भैरव गाया, उसके गाने से हमको ये लगा कि ये शायद भैरव इसने नहीं सीखा है. तो मैं रतन जनकर जी हमारे कन्वीनर थे उन दोनों, मैं रेडियो में नहीं था, बाहर था, एडवाइजरी में था, उसके लिए बुलाया गया था. तो मैंने रतन जनकर से कहा कि इससे पूछे आर्टिस्ट से कि भाई भैरव गाओ. मैंने कहा आप भी क्या तमाशा करते हैं, अरे अहिर भैरव जानता है तो भैरव नहीं जानता होगा. मैंने कहा नहीं, मुझ पर शक होगा. जब उन्होंने कहा कि भैरव गा, तो उनका भैरव हमको नहीं मान, अहिर भैरव गा रहे हैं, भैरव नहीं मान, ये तो दशा है, समझा आपने. तो अंग वही हो सकता है जहां की घुल मिल करके उसकी खूबसूरती पैदा कर सके. वो सड़क पर फेंका हुआ हाथ कोई अंग नहीं है अंगी का, अंगी के साथ जब मिल जाए तब अंग है. वो अंगी कहीं है और अंग कहीं है तो वो अंग नहीं है. तो रेडियो में एक ऑडिशन में आया तो बिल्कुल बेसरा होता, वो पास नहीं हुआ. तो वो फिर आया मुझसे कहने कि साहब ये मुझको क्यों नहीं पास किया गया. मैंने कहा भाई रिपोर्ट मेरे सामने है, तुम्हारा बेसुरापन था. कैसा बेसुरापन गाया था? अरे हमने पंजाबी अंग से गाया था. तो अब अगर आप ये बहाना बना लेते हैं बेसुरापन का, तब तो बात और है, समझा आपने. लेकिन वास्तव में अंग जो है
वो तब अंग कहलाएगा जब उसमें घुल मिल करके खूबसूरती पैदा कर सके, तब अंग कहलाएगा। है तो ठुमरी, कभी तो उन्होंने क्लेम किया, और यही बेचारे वो कोशिश कर रहे थे मुनव्वर अली साहब समझाने के लिए कि मेरे वालिद बराबर कहते थे कि मैं ठुमरी गाता हूँ, मैं ठुमरी गाता हूँ, लेकिन वो बेचारे इस बात को क्लियर नहीं कर सकते थे। और आपका प्रश्न जो था वो साफ उलझता गया मामला कि अगर वो कोई भी अंग आप लगाएं, अगर आप देखें कि भैरवी में सारे शास्त्र में कहीं तीव्र मध्यम नहीं लिखा हुआ है किसी भी शास्त्र में, और न द्रुपदिया न कालिया न ठुमरी वाला कोई भी ये नहीं मानेगा कि तीव्र मध्यम चाहिए, लेकिन प्यारे साहब ने या गौर जानने किसने लगाया मैं तो नहीं जानता हूँ, शुद्ध मध्यम के साथ एक जगह पर हल्का सा तीव्र मध्यम लगा करके ऐसी खूबसूरती पैदा की, घुल मिल गया कि आज वो हालत हो गई है कि कोई भी भैरवी गाने वाला बिना उसके गा ही नहीं सकता। जयजयवंती मैंने जो सुनी है उसमें शुरू में उसमें कोमल गंधार था ही नहीं, किसी को सूझा उसने कोमल गंधार एक जगह पर रिगरे में हल्का सा ऐसा लगाया कि उसका अंग बन गया, घुल मिल गया। वो तो अंग का तो तब है जब घुल मिल जाए, अगर वो घुल मिल नहीं सकता है तो वो अंग है नहीं, बेकार की बकवास है, कोई अंग नहीं है वो, न पंजाबी अंग है, न पूरब अंग है, न फलाना अंग है, न ढमाका अंग है, बेकार का बकवास है। अब रह गया आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, अच्छा अब रह गया ये कि दो एक और भ्रांतियां मुझको बतानी हैं। एक तो ये कि हमारे यहां हम लोग गपबाजी और इतिहास दोनों को एक समझते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जितनी गपबाजी हमारे यहाँ संगीत के क्षेत्र में है, मैं समझता हूँ संसार में कहीं नहीं है। ठुमरी कैसे शुरू हुई, तमर जो है तोमर का तमर होता है, एक दिन गलती से उनको शुद्ध ऋषभ लग गया भैरवी में, तो तमरी वो भैरवी कहलाने लगी, फिर तमरी के बाद वो ठुमरी हो गई। अब बताइए कल्पना की आवश्यकता तो अवश्य, बिना कल्पना के तो मनुष्य नहीं सकता, परंतु कल्पना कोई आधार होना चाहिए, निराधार कल्पना जो है वो बिल्कुल बेकार है, वो तो लाल बुझक्कड़ वाला मामला हो जाता है। दो साहब जा रहे थे और हाथी के पैर का निशान देखा, उन्होंने पूछा कि ये क्या भाई किस जानवर का निशान है, तो लाल बुझक्कड़ ने कहा बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझा कोई, पैरों चक्की बांध के हरम न कूदा होई। ये पैरों में अपना चक्की बांध करके हरम कूद गया है, यही हाथी का बात। ये लाल बुझक्कड़ वाली बात जो है ये ठुम से आया या ठुमर एक गांव था और क्या क्या तमाशे की बात जो है ये जो है ये लाल बुझकड़ों का मामला है। आपको आश्चर्य होगा यही ये मामूली लोग नहीं कहते, अंग्रेजी की किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, इतनी ऊंची किताब है, मैंने एक जगह उसमें पढ़ी, मैं हैरत में आ गया। उन्होंने कहा पीलू राग जो है ये फील से आया है, फील कहते हैं पर्शियन में हाथी को, अब बोलिए कहां हाथी कहां पीलू, कोई संबंध है? ये गपबाजी जो हमारे यहाँ है पीलू राग जो है फील से, और किताब चलती है सैकड़ों में लोगों ने पढ़ा है उसको, तो कल्पना की आवश्यकता अवश्य है, मनुष्य तो कल्पनाशील प्राणी है, परंतु कल्पना का कोई क्या ख्याल में भी है पीलू राग, भैरवी में भी है पीलू राग, अरे ध्रुपद में पीलू राग है, अगर ध्रुपद में है तो ख्याल में क्यों नहीं हो सकता है, ये मिलता नहीं है, ये बात और है। देखिए
कारण यह है कि जैसे भैरवी में है, भैरवी में बहुत मुश्किल से एक ख्याल मुझको मिला। भैरवी में ज्यादातर लोग ठुमरी गाते हैं, लगाओ स्वर का भिन्न है, जाला साई है तू पर बर दीगा। अब आप देखिए ठुमरी में क्या होता है, पंचम पर स्ट्रेस होता है, यहां ध्रुपद में मध्यम पर स्ट्रेस होता है। राग वही है लेकिन रूप अलग अलग दिखलाई देता है स्ट्रेस से। जैसे जो स्वर देशकार के हैं वही स्वर भूप के हैं, परंतु स्ट्रेस से फर्क हो जाता है। राग का जो मैंने कहा सन्निवेश जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक राग समझ में नहीं आ सकता। बहरहाल तो अब ये जो बात उन्होंने छेड़ दी मुझको याद आ गया, 1925 की बात है कि भातखंडे जी ने जब लखनऊ में कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त मुराद खां जो होलकर के भीनकार थे वो आए थे और मैंने उनको उसके पहले कभी सुना नहीं था। मैं गया भातखंडे जी के पास कानपुर में, मैं था वहाँ, मैंने उनसे कहा कि आपने जितने कलाकारों को बुलाया है मैंने सबको सुन रखा है, लेकिन मुराद को नहीं मैंने सुना था, उनको सुनने के लिए मैं छुट्टी लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको मुराद से मिलाता हूँ। गए तो जब मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरी तबीयत अच्छी है नहीं, कल मैं बजा सकता हूँ, अगर आप रुक सकते हैं तो मैं बजाऊँगा कल। मैंने तार दे दिया, छुट्टी बढ़ा ली अपनी। तो जब मैं चलने लगा तब उन्होंने कहा साहब एक बात और है। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा कुल 25 राग मुझको, 26वां राग मैं नहीं जाना। और उन 25 रागों में भी भैरवी और पीलू दो ही अपनी तबीयत के मुताबिक ही बजा सकते, इन दोनों में कोई आप फरमाइश करें तो मैं बजाऊंगा। मैंने कहा कल कब बजाइएगा आप? तो उन्होंने कहा कल सुबह बजाऊंगा। मैंने कहा तो भैरवी बजाइएगा? उन्होंने कहा ठीक है। जो साहब भैरवी में लेके बैठे तो उनका प्लेक्ट्रम जो है एक स्ट्रोक होता था ऐसे कांपता था, ऐसा लगता था कि अब ये छोड़ेगा नहीं, प्राण खींच लेगा, इस तरह से वो खूबसूरती पैदा करते थे वो। जब खत्म हो गया फिर शाम को फिर मैं मिलने गया तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ साहब, जिंदगी से भैरवी सुनता आ रहा हूँ, क्या जादू करते हैं आप, आते हैं तो आज जो भैरवी बजाई वैसे मैंने कभी सुनी नहीं। उन्होंने कहा आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। उन्होंने कहा 8 वर्ष तक 8-8 घंटे मैंने भैरवी बजाई। और जब चलने लगा तब उन्होंने एक शेर पढ़ी, हमने रो रो के रात काटी, आंसुओं पर ये रंग तब आया। भाई हमारे यहाँ का जो क्लासिकल म्यूजिक है वो कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है, नाद की उपासना है, जिंदगी खत्म हो जाए। अब ये सवाल जो कहते हैं बहुत कम मिलता है, कारण है उसका, वो रोमांटिक राग है। ठुमरी ने उन रागों को चुना है जो रोमांटिक राग है, इसीलिए ठुमरी में ज्यादा मिलता है। अच्छा तो मैं जो बात कह रहा था वो रह गया। तो एक भ्रांति तो ये है कि किसी खास वक्त में परंपरा चली आ रही, परंपरा में परिवर्तन होता रहा है, समझा आपने। अब दूसरी बात यह है कि रामा में गड़बड़ मैंने देखा, उन्होंने एक
रामा शब्द जिसमें आता था उसको कहा कि एक ऐसा ख्याल है जो चैती का हो गया। अब रामा शब्द को आप देखें, केवल चैती में रामा नहीं है, किजरी में भी है। जब सुधिया वे नैना भर आवे रामा, अरे रामा भूल नाही भोली सूरतिया रे हरि। अरे वो वहां भी है, अरे रामा जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। रामा जो है एक्सक्लेमेटरी उद्गार वाचक शब्द है, वहां रामा का कोई अर्थ नहीं है। फोक म्यूजिक में मैं उदाहरण देता हूं, फोक म्यूजिक का, तुमसे लागे मोरे नैना अनारी सैया, हा हा अनारी सैया, ओहो अनारी सैया, रामा अनारी सैया, ओ अनारी सैया। ये सब क्या है, ये कोई अर्थ थोड़ी है, ये उद्गार वाचक शब्द है, एक्सक्लेमेशन है, हृदय का उद्गार है, हर्ष का उद्गार है। और अपने ही फोक म्यूजिक में नहीं, वेस्टर्न फोक म्यूजिक में शेक्सपियर का पालग्रेव्स गोल्डन ट्रीज उठा के आप देखिए, डिटी उसका टाइटल है, और हे नोनी नोनी, हे नोनी नोनी। अब ये क्या है, हे नोनी को कोई डिटी उठा के देखिए, कोई अर्थ है, हे नोनी, एच ई वाई हे एन ओ एन ई वाई नोनी, उनके यहां भी है। ये उद्गार वाचक शब्द हैं बीच में लगते हैं। और तो जाने दीजिए, जो सामवेद है उसमें वो हाउ वो हाउ ये स्तोभाक्षर कहलाते हैं। ये स्तोभाक्षर माने ये जो हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं, हाउ का क्या अर्थ है। और ग्रिगोरियन चैंट में उनके यहां उसको कहते हैं वो जुबिलिया, जुबिलिया माने जो खुशी पैदा करे, जुबली जिसका बना हुआ है, जुबिलिया कहते हैं ग्रिगोरियन चैंट में भी। तो ये रामा जो है जहां लगा वो चैती हो गई, जहां नहीं लगा वो कुछ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक भ्रांति है, ये फोक म्यूजिक की विशेषता है, इसको हम क्या करेंगे। तीसरी बात यह है जो कि बहुत मार्मिक मैं समझता हूं, वो ये है कि भाषा जो शब्द है इसमें शब्दों की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा वो है जो कि जैसा शब्द का अर्थ है वैसे ही वो व्यक्त, जैसे कुत्ता, कुत्ता मैंने क्या, चार पैर का वो जानवर जो पालतू हम रखते हैं, बस कुत्ता का दूसरा अर्थ नहीं है। परंतु अगर हम कहते हैं चले जाओ कुत्ते, तब कुत्ता का अर्थ क्या होगा, वो कुत्ता थोड़े चार पैर का, वो तो दो पैर का आदमी है, वो लक्षण है। संगीत के पास अभिधा और लक्षणा नहीं, संगीत के पास क्या है, व्यंजना है। और व्यंजना जो है वो अद्भुत है। व्यंजना को समझाने के लिए तो करीब करीब एक घंटा चाहिए। छोटा सा उदाहरण देता हूं व्यंजना का, और वही व्यंजना संगीत का प्राण है। पहले तो काव्य से मैं उदाहरण दूंगा, तब जाके वो संगीत से स्पष्ट होगा। काव्य में है एक बेचारी थी साधारण महिला, उसका पति उस वो लोग बेचारे दरिद्र से, पति ने कहा कि मैं परदेश जाऊंगा और कुछ कमा के दो तीन वर्ष बाद रुपया ले आऊंगा। पत्नी ने कहा जीवित आशा, बहुत साधारण संस्कृत है आप सब समझ जाएंगे, जीवित आशा मम बलवती, धनाशा दुर्बला मम, गच्छवा
तिष्ठवा कांता स्वावस्था तो निवेदिता। क्या मतलब है कि जिंदा रहने की मेरी आशा बलवती है, लेकिन धन की आशा जो दुर्बल है। अब आप ही तय कर लीजिए, या रहिए या जाइए। मैंने अपनी हालत बता दी, ये व्यंजना है। रहिए और जाइए शब्द में तो रहिए और जाइए है, अभिधान में है, लेकिन व्यंजना में आप मत जाइए, यह अर्थ है, क्योंकि मैं मर जाऊंगी। उसको कहते हैं व्यंजना। संगीत में व्यंजन सारा, चाहे ख्याल समझिए, चाहे ध्रुपद समझिए, चाहे आप लोकगीत समझिए, व्यंजना फूट फूट के संगीत में भरी हुई है। जब तक व्यंजना जिस को कोई समझ नहीं पाएगा, तब तक वो संगीत नहीं सुनता। एक दूसरी बात है काकु का प्रयोग। अब काकु कई प्रकार के होते हैं। भरत के नाट्य शास्त्र में 17वें अध्याय में पूरा अध्याय है काकु के ऊपर। देशस्थ काकु, यंत्र काकु, स्वर काकु, राग काकु, वाक काकु इत्यादि इत्यादि। संगीत में काकु का प्रयोग किया है। काकु शब्द जो है वो संस्कृत के कई धातु से आता है, जिसका अर्थ है लौल्योपतापयोः। आवाज की वो लोलता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वॉइस ऐसी बनावे कि उपताप जो हृदय का के जज्बात हैं, हृदय के जो भाव हैं, वो उमड़ पड़े। आप पहले छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं आपको। देखिए किस तरह से काकु से अर्थ बदल जाता है, शब्द वही है। मान लीजिए कोई एक स्ट्रेंजर मेरे यहां आया और मेरे घर में घुस रहा है। मैंने कहा यह आप ही का घर है, और दोस्त आया यह आप ही का घर है। अब बोली यहां काकु क्या है, यह आप ही का घर है, इस तरह से हम बोलते हैं। और वहां क्या है, यह आप ही का घर है, शब्द वही है। वहां कहते हैं यह आप ही का घर है। ध्वनि बदल जाती, ध्वनि बदल गई, अर्थ बदल गया। शब्द वही है लेकिन ध्वनि, काकु कहते हैं ध्वनेर विकार, ध्वनि का बनाव ऐसा है कि ध्वनि के बनाव से अर्थ बदल जाता। संगीत ने काकु को अपनाया, और खास तौर से ठुमरी ने काकु को अपनाया। ठुमरी का प्राण काकु है। जो काकु नहीं समझता वो कभी सफल ठुमरी गायक नहीं हो पाएगा। कल मेरी बहन विद्या देवी ने बहुत मेरे मन की बात कह दी। कहा कि भाई ठुमरी कोई डांट फटकार की चीज नहीं है, ठुमरी तो सहलाने की चीज है। तो विशेषता जो ठुमरी गायकी में है, वो काकु का प्रयोग केवल ठुमरी में ऐसा नहीं है, लेकिन ठुमरी में विशेष रूप से है। और इसलिए है कि अब मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं तो समझ में आएगा। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया है कि नाटक में गीत, वो कहता है गीतम ही नाट्यस्य शय्या, गीत तो नाट की शय्या है। मैंने इस पर जोर क्यों दिया कि ये लोग समझते हैं कि नाटक में गीत की उतनी आवश्यकता नहीं है, मैंने गीत के ऊपर इतना क्यों जोर दिया है। भरत ने यह प्रश्न उठाया है 32वें अध्याय में अपने नाट्य शास्त्र के। भरत ने एक ही इस प्रश्न का एक ही शब्द में उत्तर दे दिया है। क्यों मैंने जोर दिया है, क्योंकि हृदय के जो सूक्ष्मतम भाव हैं वो शब्द के द्वारा नहीं हो सकते, सिवाय संगीत के द्वारा। क्यों, जहां दैन्य मैंने असहायता लाचारी दैन्य
चिंता दुख तीनों एक साथ आ जाए, कौन सा शब्द है भाषा के पास जो तीनों को एक साथ व्यक्त कर सकता? कोई शब्द नहीं। लेकिन एक छोटा सा काव का मैं उदाहरण देता हूं, देखिए आपका तमाशा। पिया तो मानत नाही। अब दूसरी बात मैं काव लाऊंगा, नाही में मैं काव लाता हूं। अरे पिया तो मानत नाही। अब यहां काव है, अब यहां क्या हुआ है, लाचारी का भी है, उसके दर्द का भी है, उसकी परेशानी का, तीनों एक साथ आ गए। ये काकू का प्रयोग है। ठुमरी की विशेषता और ठुमरी की प्रधानता, ठुमरी की प्रबलता इसी में कि वह काकू का प्रयोग करती है ठुमरी। और ये काकू तो उस्ताद फैयाज खान का मैं अभी लगाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, देखिए तीन सेकंड तीन मिनट के रिकॉर्ड में ठुमरी का इत्र खींच करके उन्होंने रख दिया है। मैंने अंजन से कह रखा है उसको सुनाऊं। तो कहने की बात यह है कि आज तीन दिन से हम लोग जो बैठे रहे, कुछ हमने कोई किसी उपसंहार पर, किसी रिजल्ट पर, किसी कंक्लूजन पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं या नहीं। एक बात तो यह है कि इस निष्कर्ष पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ हम लोग पहुँचे हैं कि ये जो भ्रांति है कि ठुमरी जो है वो एक दिन किसी साहब के दिमाग में आया और उन्होंने ठुमरी पैदा कर दी, ये भ्रांति। परंपरा जो है नृत्य के साथ, अभिनय के साथ, स्वर के साथ, ये परंपरा पुरानी है। कालिदास के मैंने देखे, कम से कम कालिदास और वहाँ हरिवंश पुराण तक तो वो परंपरा मिलती है। केवल रूप बदलते रहे और कैसे बदलते रहे इसका कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं, क्योंकि उन दोनों ये टेप तो चला नहीं था जो हम दिखला दें आपको कि इस, लेकिन परंपरा वही रही। उसी परंपरा में ठुमरी भी है, किसी एक दिन किसी ने इसको नहीं बनाया। अब रह गया जो मुनव्वर अली ने यह प्रश्न किया था कि ये क्या बात है, अगर वाजिद अली शाह ने नहीं उसको बनाया तो ये क्या बात है कि जहाँ कहीं ठुमरी की बात आती है वाजिद अली शाह की बात आ जाती है, उसके संबंध जुड़ा हुआ है। वाजिद अली शाह के जमाने में ही मोहम्मद करम इमाम ने उर्दू में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मदनुल मुसीकी। वो किताब मैंने पढ़ी है, वो किताब आउट ऑफ प्रिंट थी बहुत समय से, और मेरे लायक दोस्त उस्ताद बिलाज हुसैन खान के पास वो किताब थी, तो मैंने उनसे कहा, तब तक मैंने वो किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने उनसे कहा कि उस्ताद आप मुझे दे सकते हैं वो किताब पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ चुका हूँ, आप ले जाइए। उसमें उन्होंने वाजिद अली शाह के ज़माने में वो किताब लिखी गई थी, बल्कि वो एक किसी जगह वो वाजिद अली शाह के तहसीलदार भी रहे और ख़ुद बहुत अच्छा सतार बजाते थे वो करण वहाँ। उन्होंने बहुत सी गलतियाँ भी की हैं उसमें। एक जगह तो मुझे बड़ी हंसी आई कि उन्होंने कहा भरत का जहाँ जिक्र आया है कि राम के भाई ने वो भरत ने वो नाट्यशास्त्र लिखा, ऐसी ऐसी गलतियाँ भी की हैं उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहीं सारे किताब में, हालांकि वाजिद अली शाह के ज़माने में उन्होंने ये किताब लिखी थी, कहीं वाजिद अली शाह ने ठुमरी बनाई ये कहीं नहीं कही। तो पॉजिटिव एविडेंस उसका कोई नहीं है, समझा आपने। हाँ, उस जमाने के ठुमरी के जो गायक थे उनका बहुत जिक्र किया है, लखनऊ की जो गायिकाएं थी ठुमरी का, बाबू राम सहायक
कोई थे इलाहाबाद के, उसकी बड़ी तारीफ की है, उन्होंने कहा कि वो तो टप्पा और ठुमरी दोनों बहुत अच्छा गाते थे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वाजिद अली शाह के वजह से ठुमरी हुई है। तब फिर वाजिद अली शाह की क्या तारीफ की है उन्होंने, कहा वो उसके आश्रय दाता थे, ठुमरी उनको बहुत पसंद थी। और अब यहाँ वाजिद अली शाह से क्यों जुड़ा हुआ संबंध किया आता है, ठुमरी उनको बहुत पसंद थी, यहाँ तक पसंद थी कि मक्खन खाना, नथन पीर बख्श, ये लोग लखनऊ छोड़ के भाग के गए, शरण लिया उन्होंने ग्वालियर में जाकर, क्योंकि उन दोनों तो संगीत को जब तक आश्रय नहीं मिले तब तक बेचारा कलाकार तो मासेस की चीज तो थी नहीं, कलाकार जो जाता वो गाता, समझा आपने। एक साहब हैं वहाँ बम्बई में, वो गजल गा करके 40-40 हजार रुपया ले लेते हैं, समझा आपने। तो ये तो मासेस की चीज तो थी नहीं, तो वह बेचारे जितने थे अच्छे अच्छे गवैये वो सब चले गए ग्वालियर में। अब ग्वालियर का घराना कहा जाता है, मैं तो अक्सर सोचता हूँ क्या यह सच है, सच पूछिए तो कहना चाहिए था लखनऊ का घराना, ग्वालियर में तो सिखलाया उन्होंने, इसलिए जो उनके शिष्य लोग पैदा हुए वो ग्वालियर का घराना कहलाने लगे, वो बात और है। तो कहने का मतलब यह है कि वाजिद अली शाह ने उसको आश्रय दिया, सब बहुत उसको पसंद था, उनको खुद वो नाचते थे, कालका प्रसाद के गुरु थे, इत्यादि इत्यादि। अब ये देखना है कि ठुमरी की जो विधाएं हैं, अनेक प्रकार जो हैं, उसमें महाराज बिंदादीन का जो है कि जितनी ठुमरियां हैं वह भाव नृत्य की ठुमरियां, और यहां तक कि गलती से उसको समझ करके कि छोटा